धूम्रपान और शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। क्या वकील, इतनी देर क्यों लग रही है? 3 महीने इंतजार किया, 3 मिनट नहीं रुक सकते? भैया, बड़े भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? पुजारी की बेटी को छेड़ा तो भूपेंद्र ठाकुर ने मेरी बेइज्जती की। अब देखना, मैं उसकी बेटी को बर्बाद कर दूंगा। भैया, ये टेम सही नहीं है, अपने गुस्से पर काबू रखो। हे, गुस्से से मेरे रोम रोम में आग लगी है, वो इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली। शांत हो जाओ भैया। चल भैया, भैया ठाकुर साहब, देवा का भाई अभी अभी जेल से छूटा है। मुझे तो डर है वो आपकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। चलो बुलाओ सबको। पीछा करो। मेरी बेटी पर नजर डाली है, मैं इसे मार डालूंगा। चुप कर, वो मेरी भांजी भी है, ये तो आज मेरे हाथों ही मारेगा। तू क्या मारेगा, मेरा खून का रिश्ता है, इसे तो मैं ही मारूंगा। अरे चुप कर, उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो इसे मारने का हक मेरा बनता है। तू निकल यहाँ से। डिस्कशन तुम करो, डिसाइड मैंने कर दिया। अंजलि भैया को मारने वाला वो भूपेंद्र ठाकुर बचना नहीं चाहिए। खत्म कर देंगे उसे। खत्म कर दोगे तो उसे तकलीफ सिर्फ 1 मिनट के लिए होगी। जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता है उसे खत्म कर दो तो जिंदगी भर पछताएगा, हर पल पछताएगा। जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले उसकी बेटी को ढूंढो, कैसे भी ढूंढ निकालो, कैसे भी ढूंढ निकालो। दिव्या, हम सब अंदर हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हरियाली कितनी खूबसूरत है, देखो हरे भरे खेत, यहाँ की हवा। अगर सारी दुनिया ऐसी हरी भरी हो तो कितनी खूबसूरत लगेगी ना। अक्सर लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हैं और तुम उनकी नेचर से प्यार करती हो। दिव्या, कौन है? थैंक यू। कहाँ पहुँची बेटी? बस पहुँचने वाली हूँ पिताजी। मैं और तेरे छोटे चाचा 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद आ जाऊंगी। तुझे देखे बहुत दिन हो गए ना बेटी। एक मिनट होल्ड कीजिए पिताजी। अच्छा, हेलो मामा जी। हाँ, कहाँ पहुँची बेटी? बहुत नजदीक, हम सब यहाँ स्टेशन आ चुके हैं। आप भी आ गए? मतलब वो भी आया है? नहीं। देखो बेटी, वो भूपेंद्र तुझे अपने घर ले जाने के लिए आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, तुम हमारे साथ ही चलोगे। ठीक है, पहुँच कर बात करते हैं।
हाँ बोलिए पिताजी। बोलो क्या हुआ? वो बल्ली ठाकुर फोन पर था? नहीं तो। ठीक है तो मिलते हैं। ठीक है। तुम्हें इतना टेंशन क्यों हो रहा है? अब मैं क्या बताऊँ, एक तरफ फादर और दूसरी तरफ गॉडफादर, इन दोनों के बीच में मैं फिस जाती हूँ। भैया ऐसा लगता है ये लोग गणपति का चंदा मांगने आए हैं। छोड़ो ना पहले, कुछ भी लेकर रवाना कर देंगे। भैया देखो ना, ऐसा लग रहा है सब मेले में आए हैं, हमारी बीवियों की मंडली भी आई है। ये जानते नहीं कि दिव्या हमारे साथ ही चलेगी। और नहीं तो क्या? भैया कुछ भी हो जाए दिव्या हमारे साथ ही चलेगी। ये तो क्या, इसका बाप भी आ जाए तो भी दिव्या हमारे साथ चलेगी। आओ बेटा घर चले। दिव्या सुनो, चलो घर चलो। तुम्हारे घर क्यों जाएगी? कोर्ट ऑर्डर भूल गए? ऑर्डर फॉलो करो। एक महीने तक दिव्या हमारे साथ ही रहेगी। कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि दिव्या की शादी मैं करूंगा। मेरी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से सब लौट जाते हैं। दिव्या मेरे घर में ही रहेगी। चलो दिव्या। क्या चलो? सिर्फ पैदा करने से शादी करवाने का हक नहीं बनता। जो भी रिश्ता आता उसे हमारे घर भेज दो। इसकी माँ और इसके मामा को यानी मुझे पसंद आना चाहिए। तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी, मैं देखूंगा क्या करना है। सिर्फ मैं इसकी शादी दो, होगी तो सिर्फ मेरी पसंद के लड़के से। कान खोल के सुन लो। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अकेला छोड़ दिया, और तो और अपने भाइयों के बारे में तूने कभी नहीं सोचा। तू क्या शादी करवाएगा? मेरे घर की चिंता छोड़कर तू अपने घर को संभाल। मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी आती है। मैं इसके लिए शेर जैसा खुद जैसा दामाद लेकर आऊंगा, तेरे जैसा चूहा नहीं। चल जा वापस, घुस जा अपने बिल में। चल दिव्या। अल्ले, ये हमारे साथ ही जाएगी। चलो बे। ओए, ये मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। ये मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। चलो मेरा खून है, मेरे साथ जाएगी। माफ कीजिए, देखिए छुट्टियों में हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन मुझे हॉस्टल में ही रहना पसंद है। आप जानना चाहते हैं क्यों? आप दोनों की दुश्मनी की वजह से। आप दोनों एक दूसरे से झगड़ते हो, बदला लेना चाहते हो। ये कब तक चलेगा? ये सब बंद करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। पिताजी मेरी शादी करवाने का हक सिर्फ आपको है। आप जिससे भी कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तब तक मैं अपने मामा के घर रहूंगी। इसकी शादी तो मैं ही करवाऊंगा, देखता हूँ। तुम लड़का ढूंढना शुरू करो। लड़का कैसा होना चाहिए? चमचमाती तलवार की धार जैसा, जो दुश्मन के सीने पर पैर रखकर शेर की तरह दहाड़े, जहां पर भी उसके कदम पड़े खुशियां छा जाए। आज के एमडी साहब नहीं आएंगे? देखो ना, होली के दिन छुट्टी होने के बावजूद उसने एंजॉय नहीं किया। अपना बॉस मामूली इंसान नहीं है, शेर से भी योगा करवाएगा। सर्कस में काम नहीं करवाएगा तो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। लगता है रात को पब में बहुत एंजॉय किया। नहीं सर, वो क्या है ना, प्रेमचंद ऑल पढ़कर मैं रात को जल्दी सो गया था। तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन ये टैग झूठ नहीं बोलेगा। कितना हुआ? 500 यूरोस। बिल नहीं पूछा। टाइम? रात के 3 बज गए थे। मिस्टर सावंत, मुझे काम एंजॉय करने वाले पसंद है, काम छोड़कर टाइम पास करने वाले नहीं। घर जाकर आराम कीजिए। थैंक यू सर। और आज की सैलरी कट। सर एक विकेट गया। तुम तीनों की भी सैलरी कट। सर इसको पीछे भी आंख है क्या? चलो काम करो। बच गए, हमें नहीं देखा। मिस्टर राय। सर राय, आपके प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हा? ये कोई लुंगी डांस थोड़ा ही है। 100 मिलियन प्रोजेक्ट है। डिजाइन के लिए 1 वीक, समझाने के लिए 10 डेज, और फाइनल करने के लिए कम से कम 2 वीक्स लगेंगे। शॉक लगा। don't say nothing. सारा, मुझे इन सब के प्रिंट आउट चाहिए। ओके सर। रेस का रिजल्ट तुम्हें रेस खत्म होने के बाद पता चलता है, और मुझे पहले ही पता चल जाता है। आप सुपर हैं सर। वैसे आपका गोल क्या है सर?
जिनका गोल होता है ना वो गोल पर पहुंचते ही रिलैक्स हो जाता है, पर जिसका कोई गोल नहीं वो कुछ भी कर सकता है। बहुत घुमा फिरा के बात करता है सर। ये क्लाइंट को सबमिट कर दीजिए। क्लाइंट स्वीडन में है सर, सबमिट करने में 2 दिन लग जाएंगे। मिस्टर राय, आपको एप्पल चाहिए तो आप कश्मीर जाएंगे या फ्रूट शॉप पर जाएंगे? फ्रूट शॉप सर। ये भी वैसा ही है, ईमेल कर दीजिए, 2 दिन बेकार मत कीजिए। दिमाग तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, जाइए। अब क्या सर? तुम लोगों ने कोई काम नहीं किया इसलिए तुम्हारी सैलरीज कट होंगी, जिससे कंपनी को फायदा होगा। नहीं सर। दरवाजा उधर है। दिन ब-दिन उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और किसके? हमारे बॉस के बारे में। क्या कर दिया उसने? कहता है मेरा दिमाग नहीं है। उसे भी पता चल गया। बॉस है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता सासुमा। उसकी ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए दूसरों को जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। नॉनसेंस, वो एमडी नहीं है, माँ हिटलर है। परसों प्रीति के घर गए थे, कोई बीमार है तो फ्रूट्स लेकर जाते, ये तो थर्मामीटर लेकर गया। ससुर जी, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं कोई और कंपनी ज्वाइन करके उसे अपना टैलेंट दिखाऊंगा। यहाँ पर कोई टैलेंट दिखाने वाला है? मेरी कोई हेल्प चाहिए? टैलेंट दिखाने के चक्कर में पहले भी 3 महीने पछता चुके हो। मुझसे पंगा लिया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भूख लगी है माँ। भैया आपका बाय। हे प्लीज, ज्यादा प्यार मत दिखाओ, ओके? दिल में दर्द होता है। मेरी बुराई कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया है। ऑफिस की बातें माँ से क्यों कहते हो? इनका चेहरा देखकर ही तुम सबकी सैलरी काटी है, नहीं तो गला काट देता, समझे? वैसे आपको मेरा काम कैसा लगा बॉस? सच कहूँ क्या? कुछ लड़कियाँ हैं जो चांद तक पहुँच गई हैं और कुछ हैं जो घर के कामकाज संभालती हैं। तुमसे दोनों ही नहीं हुआ। माँ देखो ना, कुछ भी कहता है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? तुम ऑफिस में पिताजी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो, उन्हें ये घर में करता हूँ ना, तो वहाँ क्यों करूँ? बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपमान हुआ है? मैं अपनी मेहनत से आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। गेम्स डेवलप करके मैंने कंपनी को आगे बढ़ाया है, अपनी फैमिली को इस मुकाम पर लेकर आया हूं। मैं सिर्फ कंपनी का भला चाहता हूं। तो क्या हम अभी तुम्हारा सम्मान करें? मेरी शादी करवाइए। इतनी जल्दी क्या है? ये मेरी जिंदगी की प्लानिंग है माँ। कितनी भी प्लानिंग कर लो कोई फायदा नहीं, ऊपर वाले ने तुम्हारी शादी किसी के साथ प्लान कर ली होगी। वाओ, हाउ रोमांटिक। वैसे वो है कौन? आसमान धरती से दूर जरूर है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जरूर हैं। मगर आप दोनों वैसे बिल्कुल नहीं हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी ही नजर के सामने आप दोनों लड़ते झगड़ते हैं। आप दोनों कब सुधरेंगे? मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझसे आप दोनों की दुश्मनी देखी नहीं जाती। सब जगह पर ढूंढो। इंसान तो ऐसे ही कंफ्यूजन में जीता है, उसे भगवान ने और कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूजन के लिए उन्होंने कुछ लोगों को पैदा किया। इस लड़की का नाम अनुष्का है, जिसे प्यार से स्वीटी बुलाते हैं। लक लॉक हो जाने पर लक को अनजाने में खरीदना चाहती है और हम टीम बेचना नहीं चाहता। मिस्टर जॉनसन, आपने ये टीम 5 मिलियन में खरीदी थी, मैं 20 मिलियन यूरो दूंगी, तो डील पक्की समझो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ऑडियंस, मेरा टीम खरीदने के काबिल नहीं है। अच्छा होगा कि तुम सिर्फ खेल देख कर चले जाओ। इनका प्लेइंग देख के डर गए क्या? डर? अगर एक गोल कर दूं तो? यू? हाँ मैं। गोल करना तो दूर, बॉल पकड़ भी नहीं पाओगी, एक गोल भी नहीं होगा तुमसे। अगर कर दूं तो? तो टीम फ्री में। मिस्टर जॉनसन, क्या कहा था आपने? मैं आपकी टीम खरीदने के काबिल नहीं हूँ। आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था। नाउ द टीम इज माइन। हमें इस कैरेक्टर से कंफ्यूज करने के लिए भगवान ने एक और इंसान को पैदा किया। चलिए देखते हैं कि वो कहाँ है। इसका नाम है वीकेंड बाबूराव। वीकेंड एंजॉय करने के लिए पूरा वीक वेट करना इसकी वीकनेस है, और इसकी मेन वीकनेस है बिना पूछे सलाह देना। इनकी सलाह से कुछ को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर को नुकसान ही हुआ। इट्स योर मनी? या ओ लॉट्स ऑफ मनी।
आपका है? It's my money. इस पे मत लगाइए, 31 पे मत लगाइए, put on 23. No, मैं कहता हूँ, बहुत पैसे मिलेंगे. No, no, no. मुझ पर भरोसा करो यार, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे. Okay, okay मैडम. ये जीत जाएंगी. 31. Oh no, मेरा सारा पैसा गया. पकड़ो इसको, तुम मेरा पैसा दे. मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूँ? तुमने अपना पैसा लगाया, जुए में हार गए. नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं. Hey, give me my money. यार मनी कितने देने हैं? 2 million euro. Oh my god, मेरे पास only 10 euro है. तेरे को एक वीक का टाइम देता हूँ. What the hell is this? अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया गया? मुझे भी आज ही सुबह पता चला मैडम. लॉकर्स खोले तो हमें ये पेपर्स मिले. उनकी बेटी होने के नाते ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, लेकिन आपके पिताजी के विल के मुताबिक आपको 24 साल की उम्र में एक इंडियन से शादी करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी. ट्रस्ट? मैडम, आपके पास सिर्फ 30 days है. What? एक ड्रेस खरीदने के लिए मैं 4 देश घूमती हूँ, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर चुनने के लिए सिर्फ 1 ही महीना है. मिस्टर बाबूराव, आप कोई सलाह देना चाहते हैं? सॉरी मैडम, रात के घटना के बाद मैं सलाह देने के मूड में नहीं हूँ. क्यों, क्या हुआ? एक गल्ले ने मुझे बर्बाद कर दिया मैडम. नो प्रॉब्लम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है. सिर्फ 1 महीने में मेरे जैसा कैलिबर रखने वाला काबिल और मेरी प्रॉफिट को डबल करने वाला एक मर्द चाहिए. घर संभालने वाला नहीं चाहिए? इम्पॉसिबल मैडम. ड्राइवर चाहिए तो 2 मिनट में मिल जाएगा, डिवोर्स चाहिए तो 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपके डिमांड जैसा पति मिलना 2 साल में भी संभव नहीं है. ओके ओके, मेरे लिए पति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रॉपर्टी है. सही आदमी ले आए तो 1 million euro दूंगी, और अगर नहीं तो ये डील किसी और की. नहीं मिलेगा ऐसा थोड़ी कहा, ऐसा मर्द मिलेगा मैडम. 2 million euro का बंदोबस्त कीजिए, 2 दिन में लाकर मैं खड़ा कर दूंगा. ओके, तो समझो मिल गया, काम पर तुरंत लग जाता. अगर ये मिल गया तो समझो हमारा काम हो गया. सर मैं इसे जानता हूँ सर, इसका नाम वीकेंड बाबूराव है सर. वीकेंड्स पर ये कोई ना कोई पब में आपको जरूर मिलेगा, और ये सबको फालतू में सलाह देता है. ओह नो, ओफो, इनको तो खेलना ही नहीं आता, और इनके नखरे तो प्रोफेशनल खिलाड़ी जैसे. मुझे क्या करना है, मैं तो चुप बैठा. कैसे खेलते हैं? Hey guys, what are you doing? ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं यार, तुम सीखना चाहते हो ना? वहाँ देखो, उन अंकल जी से सलाह क्यों नहीं ले लेते? सलाह? मैं उन्हें सलाह दूंगा. तुम मेरा पैसा दे. नहीं, सलाह मत दो, मत दो. Give me my money. No, वहाँ मत जाओ. Excuse me sir. आप सीनियर कोच लगते हैं, आप उन जवान लड़कों को सलाह दे सकते हैं? मैंने सलाह देना छोड़ दिया है. लेकिन क्यों? तबीयत जरा खराब है, इसलिए जूस पी रहा हूँ, गैस हो गई है. अरे सर, आप तो बच्चन और सचिन के गुरु दिखते हैं, ये दोनों तो बच्चे हैं. अरे नहीं देना है. I think he doesn't know the game. बेकार आदमी है. अबे तू क्या बोल रहा है? नहीं नहीं रुको, लगता है इन दोनों को सलाह तो देनी ही पड़ेगी, और वो मैं जरूर दूंगा. यू वेट हियर, फॉलो. बाएं हाथ में पकड़ो, उंगली इस तरह से लो और यहाँ डालो. ओके. एक पाँव ऐसे रखो. ओके. पूरी ताकत आपके बाजू में आनी चाहिए. ओके. समझ गए? कूल. गो बैक लाइक दिस, लाइक दिस. आपकी नजरें सामने लक्ष्य की ओर, और बॉल को रिलीज करो. ओह माय गॉड, इम्पोसिबल. तुमने क्या कर दिया? तोड़ दिया पूरा सत्यानाश. अरे सर, क्या किया आपने? सब तेरी वजह से. Hey mister, आपको भुगतान करना पड़ेगा, सब बर्बाद कर दिया. कितना पैसा देना पड़ेगा? 20,000 euro. अरे हटाओ, सिर्फ 20,000 euro. ये लो, जाओ पैसा निकाल लो. ओके. Hey mister, आपका कार्ड बेकार है. मैंने तुमसे मदद मांगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. ये लो. ओके. थैंक्स ब्रो. मैं वीकेंड बाबूराव हूँ, तुम्हें जब कभी मदद चाहिए होगी मुझे याद करना. कभी की बात नहीं है, मुझे अभी चाहिए. अभी? तुम्हारी मैडम के साथ एक मीटिंग. हाय, आई एम कार्तिक, कार्तिक प्रताप राय. अनुष्का, बहुत सुना है आपके बारे में, आपके आइडियोलॉजीज, स्ट्रेटजीज मुझे बहुत अच्छे लगे. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है. मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में स्पोर्ट्स और गेम्स की कंपनी खोलें, और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, इस तरह के कई गेम स्पॉन्सर कर सकते हैं. इंडिया में GPL सीजन भी शुरू हो रहा है. हम दोनों 2 leading teams खरीदेंगे. दोनों टीम्स हमारी ही कंपनी को प्रमोट करेंगी, इंडस्ट्री में हमारा मोनोपोली होगा, और ऐसा करने से हम दोनों की ही कंपनी को 10 गुना ज्यादा फायदा होगा. 10 times more profit. ये है मेरा प्लान. आधे घंटे का काम 5 मिनट में ही समझा दिया, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले.
I'm very excited to work with you. Deal pakki. Yeah. Good luck. Thank you. शादी की डील अच्छी लगी? मतलब क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? बिजनेस उसके लिए, शादी आपके लिए। That's good. वो बिल्कुल मेरी तरह है। अगर मैं लड़का होती तो मैं बिल्कुल उसी की तरह होती। किसने कहा कि आप में औरत के गुण हैं? What? I mean, आप औरतों के लिए रोल मॉडल हैं, तो वो मर्दों के लिए रोल मॉडल है। उसके पसंद के ब्रांड से लेकर उसके लैंड्स तक मैं पूरा रिसर्च कर चुका हूँ मैडम। Can I trust you, बाबूराव? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं मैडम। गड़बड़ हुई तो गला काट के आपके सामने पेश कर दूंगा मैडम। इस काम के लिए मैं आपको 1 million euro देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब 1 million बाकी है। कल्लू कल्लन कालिया, 1 million euro एक मिनट भी देखने का नसीब नहीं था। ध्यान से सुनिए, यह है वो बिजनेस जो हम शुरू करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन हो तुम? मैं अनुष्का हूँ, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए ठीक है, लेकिन मेरे घर पर आने की वजह? मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती, डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। आई वांट टू मैरी यू। हमारी शादी से स्टॉक मार्केट में सुनामी आ जाएगी, हमारी कंपनीज के शेयर्स के भाव मार्केट में 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो शादी कर ले। आई लव योर आइडिया। आप क्या कहते हो अंकल? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, आखिर ये बिजनेस डील है या मैरिज प्रपोजल? दोनों है अंकल। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपांड कर सकते हैं। युगांडा में एक ब्रांच खोलेंगे, तुम्हारे जीजू को वहाँ भेज देंगे। विल स्टार्ट अनदर बिजनेस इन रशिया, जो तुम्हारी बहन संभालेगी। इसको साउथ अफ्रीका में हम वाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हारे डैडी मैनेज करेंगे। और तुम्हारी माँ मेरे साथ रहेगी। लगता है ये पागल हमारी पूरी फैमिली को पागल खाने भिजवा के रहे। सही कह रहे हो। और हाँ, हर सैटरडे अंकल अफ्रीका से आंटी से मिलने आ सकते हैं। अरे अच्छा है। बकवास आइडिया है। पर क्यों? शादी के बाद सब अलग अलग रहेंगे क्या? आंटी जी, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। दूसरों के लिए भी प्यार बढ़ता है। माँ, शादी मुझे करनी है, पसंद भी मेरी होगी। स्वीटी, तुम कल क्या कर रही हो? मैं फ्री हूँ। तो एंगेजमेंट भी कल कर लेते हैं क्या? और 15 तारीख को शादी कर लेते हैं। नो, 15 को संडे है, वीक डेज में रखते हैं, गेस्ट भी काफी आएंगे। ब्रिलियंट, मैं चलती हूँ। सो आई विल सी यू सून। बाय बाय बाय। बेटा, ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की तैयारी कीजिए। अगर ये शादी हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें शादी को रोकना होगा। करेक्ट। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? अच्छा सुनो, ठीक उसके एंगेजमेंट के समय पिताजी को अटैक आ जाएगा। ठीक उसी वक्त हार्ट अटैक कैसे आएगा? आप तो कुछ नहीं समझते। क्या पिताजी, आपको एक्टिंग करनी होगी, तब उनकी एंगेजमेंट टूट जाएगी। सुपर। मैंने सोचा वो दिमाग वाली, पर तुम तो कमाल की निकली, क्या बात है। शट अप, अपने आप को समझती क्या हो तुम? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कहने का कोई हक नहीं है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? एंगेजमेंट भूल जाओ, मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। क्या हुआ बेटा, क्यों चिढ़ रहे हो तुम? चिढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। एंगेजमेंट के लिए मुझे क्या कपड़े पहने हैं, क्या रिंग पहनी है, वो कितनी बुरी सेट करेगी। ओह माय गॉड। इतना ही नहीं, हमारे परिवार के बारे में घटिया बात कर रही थी, इसलिए हम उसे शॉक देंगे, ये शादी रोकनी होगी। अभी फोन करके बता देते हैं। नेकी और पूछ। क्या बात है, शादी रोकने के लिए आप लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। नहीं तो हम और क्या करें बेटा, उसे पति से नहीं पैसों से प्यार है। रिंग पहनाने समय फोन की घंटी बजी तो ऑफिस का काम कहकर चली जाएगी ना। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की ठीक नहीं है, हम रिश्ता तोड़ देते हैं। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो वो कहेगी कि ये हमारी गलती है, लेकिन जब कल सबके सामने रिंग पहनाने के ऐन वक्त पर सारे मेहमानों के सामने शादी रोक देंगे तो उसकी अकड़ चूर हो जाएगी। हाँ, सुपर। क्या बात है। बच गए, अब हमें नाटक करने की जरूरत नहीं है, वही करेगा नाटक। अच्छा हुआ। बड़ी अच्छी लग रही है। लगता है बहुत लोगों को बुलाया। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बेइज्जती होगी। सही कह रहे हो तुम, देख लेना अब आएगा मजा, उसकी तो बैंड बजने वाली है। वो देखो आ गई महारानी। तुम तो परी लग रही हो। आई नो, कम ऑन, मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाती हूँ। आफ्टर यू। उसने हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कितना घमंड है उसे। थोड़ी ही देर में उसका घमंड गायब हो जाएगा। मीट पीटर, वो है मिस्टर जॉन, ये रायन है, वो वैल है, और ये एलन है। गाइस, ये मेरे मंगेतर है कार्तिक। हेलो, आपको एक बात बता दो, ये शादी मैंने ही सेट की है। ओ अच्छा,
आप क्या काम करते हैं? आई एम वीकेंड बाबूराव। मैडम को मैंने पाला पोसा है। कुछ लोगों को मैं सही लगता हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं गलत हूँ। आपको मैं कैसा लगा? ब्रोकर लगते हैं। ओके, अच्छा हुआ आपने मुझे जोकर नहीं कहा। एक बात बताइए, उधर एंगेजमेंट हो रही है लेकिन आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। आपको ये शादी पसंद नहीं है? ऐसे पागलों की तरह सवाल मत पूछो। ससुर जी, आपको गुस्सा आया तो आप हाथों से बात करते हैं ना? क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले बोलना चाहिए था ना। मैं तो चला पतली गली। वेरी गुड, इसे पहना। उसे पता नहीं कि अपना बेटा उसे सबक सिखाने वाला है। अभी खेल में आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट नहीं, ब्लास्ट होगा। इसने तो हमें ही ट्विस्ट कर दिया। कैसा लगा मेरा ये खेल? डैड, रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं, लेकिन इस खेल में मैं आपका भी दादा हूँ। सर, कैन यू सेंड अस अ लेटर प्लीज? इट इज इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? सर, इंडिया के हमारे बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। वॉच, कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, फैक्ट्री में हुई पोल्यूशन की वजह से बहुत लोग मर गए और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने हाईकोर्ट में PIL फाइल किया है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने फैक्ट्री तुरंत बंद करने का ऑर्डर पास किया है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितना भी बड़ा हो, काम करने वाले इंसान ही होते हैं। पैसा खिलाओ और केस विड्रॉ करवा लो। बहुत कोशिश की सर, लेकिन इससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ग्रीन आर्मी सर। मैं अभी के अभी इंडिया जाना चाहता हूँ। Hey, तुम लोग यहाँ पर कैसे? बिना बताए कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जेंट काम से इंडिया जा रहा हूँ। मुझे फोन करके बताने में सिर्फ 30 सेकंड्स लगते थे और SMS करने में मुश्किल से 20 सेकंड्स लगते। मिस कॉल देते तो सिर्फ 5 सेकंड्स लगते। ध्यान से सुनो, मैं जिससे अपना समझती हूँ वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या मेरा हस्बैंड। अब से तुम जो भी करोगे मुझे बताओगे। स्वीटी, इंडिया में जो फैक्ट्री है वहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आ जाऊँ। जल्दी आ जाना, तुम भले ही अपना खाना पीना भूल जाओ लेकिन मुझे फोन करना मत भूलना। कीप दैट इन माइंड। 31 को मैरिज है, वो मत भूल जाना। क्या ये लगेज है जो भूल जाऊंगा? ये मैरिज है, मैं आ जाऊंगा। बस हो गया, गिव मी अ हग। दे दो ना। बाबूराव। हाँ मैडम। शादी के लिए टाइम पर आ जाएगा ना? लड़का तेज है मैडम, वो जरूर आएगा। नहीं आया तो? कह दिया ना मैडम, गला काट के ट्रे में पेश कर दूंगा। अपनी जबान है। थैंक यू। यस 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 यस, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे घर वाले मेरे बचपन के दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं, दिल्ली में जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ के दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं इसी शहर में अपने फेसबुक फ्रेंड के घर में रह रही हूँ। ऐसे कब तक रहोगी दिव्या? पता नहीं, मेरे पिताजी और मामा जी के बदलने तक और मेरी माँ और मौसियों को अपने घर ले जाने तक ऐसी ही रहूंगी। जो 20 साल से साथ नहीं रहे, क्या गारंटी है कि वो अब एक साथ रहेंगे? जरा तो लॉजिकली सोचो। मुझे भरोसा है, भगवान पर पूरा भरोसा है, कोई ना कोई मिरेकल तो जरूर होगा। आपकी लिपस्टिक अच्छी है, सीक्रेट नहीं बताओगी? आइदर, आई एम कौस्तुभ, सॉफ्टवेयर साइड। मुझे लगता है आप यहाँ किसी को लेने आई हैं, है ना? क्या हुआ? कोई ग्रीन आर्मी है सर, यहाँ बच्चों को पालना मुश्किल है और ये कहते हैं पौधे लगाओ। हमारी फैक्ट्री को तुरंत बंद करने का कोर्ट का नोटिस है सर। सॉरी सर, एयरपोर्ट पर मैंने आपको मिस कर दिया। तेरी नजर तो किसी और पर थी तो मैं कैसे नजर आता? सर, टैक्सी बिल यही पे करेगा। एक तो टाइम पर पगार नहीं मिलती, ऊपर से टैक्सी का बिल भी मुझसे लेंगे। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन? दिव्या नाम की एक लड़की है सर, अचानक एक दिन फैक्ट्री के गेट पर आकर कहने लगी कि तितलियां, भौरे, कीड़े और मकोड़े मर रहे, फिर वो नोटिस देकर चली गई। सर, मैं उससे बात करने का सोच ही रहा था कि सर ये लड़की है। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है सर, कंप्लेंट बॉक्स है। उसकी उम्र की लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ती है और ये पीछे पड़ती है पोल्यूशन करने वालों के। बहुत कुछ जानते हो। जानना क्या है सर, इफेक्ट है उसका बैड वाला। कैसा इफेक्ट देखिए,
क्या रे, तू सिलाई मार रही है? स्माइल दूंगी तो स्कूटी देगा ना। रुक, तेरे पिताजी से कहती हूँ, उन्होंने ही तो आइडिया दिया है। तेरी तो यू। अरे अब इस छोकरी को क्या हो गया? वैसे ये भी कुछ कम नहीं लग रही। क्यों मारा? तुमने वो डाली क्यों तोड़ी? मेरे आरे आई तो तोड़ दी। जरा देखो उसे, पता है उस डाली को कितना दर्द हो रहा है? डाली को दर्द हो रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? ए, उनकी भी जान होती है, सांस लेते हैं, फीलिंग्स भी होती है। तेरे जैसे लोगों के पेट तोड़ने की वजह से नेपाल में भूकंप आया और इंडोनेशिया में सुनामी आई, पता है? एक डाली तोड़ने से नेपाल में भूकंप आ जाएगा? अपना इलाज करा। बंदर कहेंगे हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तू जानता भी है क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है पता है? छोड़, एक डाली क्या तोड़ी, तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया। अब देख तेरे सामने ये पूरा पेड़ काटता हूँ, देखता हूँ क्या करती है तू। जो करना कर ले। आई एम वार्निंग यू, कुछ मत करना। हेलो पुलिस स्टेशन, टीवी, एबीएन टीवी, टीवी 5, कल तक सीटीवी। यही वो बंदर। पेड़ काट कर स्मगलिंग करने वाले आप ही हैं क्या? क्या चंदन की तस्करी करने वाले स्मगलर आप ही हो? ओए मैडम, क्या सेंसेशनल क्राइम करने वाले गैंग मेंबर हो? आपके लिंक्स दुबई तक है। आपका बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है? पेंडिंग केसेस का आरोप भी मुझे ही बनाओगे क्या? मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी थी। जैसा कि आप इस डाली को देख सकते हैं, कितना दर्द हो रहा है। आप मुँह क्या देख रहे हैं, इसे अरेस्ट कीजिए। ए साले, हरे भरे पेड़ की डाली तोड़ दी और ऊपर से मीडिया को धमकी दे रहा है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने ऐसा केस ठोका कि राष्ट्रपति से भी माफी नहीं मांग सकता। जो हुआ उसे भूल जा, मैं हैंडल करता हूँ उसे। आगे पीछे क्या भांजे? अगर आगे पीछे करते रहोगे तो वो क्या टीवी से कूद कर बाहर आ जाएगी? मुझे तो मजा आ रहा है मामा जी। लेकिन हमको सजा मिल रही है ना, तू देखता रहे, देखता रहे। शंकर भाई ने ताजमहल बनाने वाले हैं। अरे बेवकूफ कहीं के कुछ भी बकता है। अरे ताजमहल तो ये तब बनाएगा जब कोई इसे लोन देगा। मामा जी आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं। भांजे हमें सिर्फ क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है, लव स्टोरीज में नहीं। तुम बस इशारा करो भाई, मैं अभी के अभी उसे उठा लेता हूँ। इडियट, सामान संभालो, रेस्पेक्ट से बोलो। महिलाओं को इज्जत देना हमारी परंपरा है, उन्हें रेस्पेक्ट करो, प्यार करो। तू उसे उठाने की बात कर रहा है? औरत तो फूल होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। हम क्या सॉफ्टवेयर वाले हैं प्यार से डील करने के लिए? अरे हम गुंडे हैं। आजा 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 कहने से वो क्या आ जाएगी? उसे उठा ले, घर ले आ, पप्पी ले ले और छोड़ दे। मामा जी औरत फूल होती है। हाँ फूल है, गोभी का फूल। अरे पगली, सुबह सुबह नुकसान कर दिया मेरा। मामा जी रेस्पेक्ट। कांता भाई सॉरी। हाँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो ना? मेरे अकाउंटेंट से मिलो, लाख रुपए ले लो और शादी धूमधाम से करो। कैसा भांजा है तू, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तक खुद के पैसे का एक चॉकलेट भी खरीद कर नहीं दिया मुझे। भाई क्या हुआ रे, उस ग्रीन आर्मी वाली का पता चल गया है? उस जगह पर 3-4 पौधे और लगा दो। ओके मैम। Excuse me. Hi, I'm Karthik. आपके बारे में बहुत सुना, दुनिया को हरा भरा बनाना चाहती हैं। मुझे तो ये पागलपन लगता है। It's an honor to meet you. पागलों जैसी बातें तुम कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के लिए आए हो, है ना? Wow, इन्हें कैसे पता चला यार? मैं पेड़ पौधों के साथ इंसानों की भी रिसर्च करती हूँ। Oh. अब एक काम करो, सीधे पॉइंट पर आओ। करेक्ट, आपने जो नोटिस भेजा है ना, मैंने सोचा उस पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालो। खैर जो हो गया सो हो गया, अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। क्या जो हो गया सो हो गया, तुझे पता है इसके पहले कितने शेर थे और हाथी? देखो आपने फिर शुरू हो गई, संख्या कम हो गई। साइज कम? साइज नहीं संख्या। एक टाइम था जब चिड़िया चींटी करके हमें सुबह जगाती थी और अब उठने के लिए हमें अलार्म लगाना पड़ता है, और आजकल के ज्योतिष बेचारे तोतों की मदद से इंसानों का भविष्य निकालते हैं। क्या हम अपने छोटे बच्चों को यही सब सिखाएंगे? बताओ हमारे देश में कौओं की इतनी कमी चुप हो गई है कि पिंडदान देने के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता है, और ये सब हो रहा है तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से। थोड़ी देर और रुके तो आपके आंसू क्यों नहीं आए, उसका भी लेक्चर देगी। चलिए ना। मैं ये तो, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे कौवे और चिड़ियों की फिक्र है? जा जाकर जू में देख, टाइम पास हो जाएगा। और क्या बोली, एक टाइम था जब चिड़िया चीची करके हमें जगाती थी, और अगर मेरा दिमाग खराब होगा तो ग्रीन आर्मी किसी से नहीं डरती। पेड़ पौधों और पक्षियों को बचाना मेरा लक्ष्य है। जा जो करना है कर ले। तुम्हें बहुत बोलना आता है हा? तुम पेड़ पौधों को जानती हो, मैं गुंडों को जानता हूँ, और मैंने गुंडों को भेजा ना तो तोता मैना की जो कहानी ना तेरी खत्म हो जाएगी।
देख मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू केस वापस ले ले, वरना कार्तिक क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अबे चश्मा दे। सर माइंड इट। क्या सच में गुंडे भेजेंगे सर? अरे ऐसा नहीं है यार, मैं तो सिर्फ धमकी दे रहा था, तूने देखा नहीं उसे, डर के मारे चुप हो गई थी। अरे भांजे रुक जा रुक जा, ये क्या पहना दिया है हम सबको, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गले में फांसी लगा दी हो। मेरे प्यारे भांजे, जब हम किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो साथ में फल ले जाते हैं, किसी की मौत पर जाते हैं तो फूल ले जाते हैं, पर ये पौधा लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? मामा जी, लड़की का दिल जीतना है तो उसकी पसंद की चीज देनी चाहिए ना, उसे पौधों से प्यार है। देखा नहीं क्या टीवी में? हाँ मैंने देखा। देखना उसका क्या करती। नमस्ते दिव्या जी, मेरा नाम शंकर है और हम सब सोशल वर्कर्स हैं। आप भी ग्रीन आर्मी साइड में हैं? हम सेटलमेंट साइड से कार्ड डालेंगे। राम को क्या कहा? कुछ नहीं दिव्या जी, ये कह रहे थे कि इन पौधों को, फूल को, छोटे छोटे फलों को तोड़ना नहीं चाहिए, बस इतना ही कह रहे थे। आप चुप कीजिए, मैं पॉइंट बताता हूँ। जब से मैंने आपको ग्रीन रन में देखा तो मेरे अंदर कुछ अलग फीलिंग स्टार्ट हो गई। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो दवाई भी नहीं लेता। क्यों, कोई बीमारी है? पता नहीं, पर मैंने तो पीना भी छोड़ दिया है। और एक्चुअली सॉरी, आपकी कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं है, मेरे अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। आप जैसे फूल को भी प्रॉब्लम्स हैं? अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, मैं देख लूंगा। असल में ये काम आप जैसे सोशल वर्कर से नहीं होने वाला, इस काम के लिए गुंडे चाहिए। ओ, गुंडे चाहिए, अपने असली रूप में आ जाओ भाई लोग। एक्चुअली हम सब गुंडे हैं। सॉरी दिव्या जी, आपको इम्प्रेस करने के लिए हमने झूठ बोला था। मैं उस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। 100 मर्डर, 1000 जमीन पर कब्जे, 11000 सेटलमेंट किए हैं। भाई का सिर्फ स्टेट रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड। रियली? मैंने एक फैक्ट्री पर केस किया है और उसका मालिक मुझे गुंडे भेजकर मारने की धमकी दे रहा है। क्या आप उसे निपट सकते हैं? कौन है वो? वो चॉकलेट बॉय है, वो देखिए वहाँ। देखा? उससे तो मैं निपट लूंगा। कार्ड डालेगा कहकर चला गया, उस चॉकलेट को तो मैं चूस चूस कर पूरा खा जाऊंगा। तेरा पीपी पड़ा तो एक माचिस भी नहीं चल सकता, और अगर मेरा पीपी पड़ा तो सब चल रहा। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मार रहे हो? औरत एक फूल है, फूल है, फूल है। उन्हें दुख हुआ इसीलिए सब मेरे पास दौड़े चले आए। अगर किसी भी औरत को तकलीफ होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उनकी पुंगी बचा दूंगा। इतना अच्छा डायलॉग है, तालियां बजाओ, कान के नीचे क्यों बजा रहे हो? औरत की इज्जत ना करने वाले को ऐसी फिल्म बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। मारो साले को। ये लोग कौन थे? इस सिनेमा थिएटर क्या करने आए थे और मुझे क्यों मारा? ग्रुप कटिंग है? नहीं, ग्रुप कटिंग। देखो बच्चों, मैं शेर हूँ और शेर जो होता है वो कपड़े पहनता नहीं, पहनाता है, समझे? लेकिन तुम सबके जरूर उतारूंगा। औरत फूल है, बस खुशबू सूंघना, मसलना नहीं। औरत फूल है, बोल बोल कर मुझे मारे जा रहे हैं। आप लोग कौन है और क्यों मार रहे हैं? राउंड और मारो इसको। हे कॉस्टो, क्या हुआ? मुझे मारा सर, वो ग्रुप में आते हैं सर, क्यों आते हैं मुझे पता नहीं सर, मार कर चले जाते हैं। लेकिन तुझे मार क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता सर। क्या? सिर्फ कहते हैं औरत जो है, क्या है वो फूल है, इतना कहकर मारते हैं सर। अच्छा? मेरी किस्मत में मार कर नहीं लिखा है, ये देखिए सर कितना मारा है। इसे चलो, चलो, जाओ। मेरे साथ आओ, काफी चोट लगी, आ जाओ। अरे आओ, एक महीने की छुट्टी दे दो। दिव्या जी, आपके बताए हुए उस चॉकलेट बॉय को मेरे स्टाइल में ठोक दिया, अब वो आपसे पंगा नहीं लेगा। सच में? थैंक यू सो मच। उसी का फोन है, शायद सॉरी कहना चाहता है। अरे वाह, स्पीकर ऑन करो, हम सब भी सुनेंगे। हेलो। hey, अभी तक केस वापस क्यों नहीं लिया? मैं तेरा भला चाहता हूँ इसलिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, आज ही केस वापस ले ले, वरना जानती है ना मैं।
कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, इतना डर गया वो आपसे? सिर्फ नाम के गुंडे बनते हो, कुछ काम के नहीं हो। उस कालिया की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। कालिया? तुमने ही तो चॉकलेट बॉय कहा था, और चॉकलेट तो काला ही होता है ना, इसीलिए हम उस कालिए को ठोक कर आ रहे हैं। चॉकलेट बॉय का मतलब गोरा सा, चिकना सा, स्वीट सा है, कालिया नहीं। मैं जिसकी बात कर रही थी वो सफेदी की चमकार है। तुमने तो सफेद चॉकलेट कभी नहीं खाया। क्यों भांजे, तुम ही बताओ, तुमने खाया है क्या सफेद चॉकलेट? अब बात समझ में आ गई, चलो यहाँ से। दिव्या जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं चाहिए, यहाँ दर्द है। औरत फूल है सर, औरत फूल है सर, औरत की जरूर इज्जत करूंगा सर। मिस्टर कौस्तुब, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, सॉरी कहने आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरे साथ वाले को ठोकना था, तुझे ठोक दिया, मिस्टेक हो गई। मेरे बॉस को? I'm very sorry। कोई बात नहीं, मुझे मारो, 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 पूरी बॉटनी सिखाओगे क्या? अब इससे पूछो हमें वो चॉकलेट हीरो कहाँ मिलेगा। हाँ बता, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा बता। उधर है सर। मामा जी, उसकी वजह से दिव्या के सामने मेरी बेइज्जती हुई है, उसकी ट्राई करो, पर जान मत लेना। ये क्या बात हुई, ठोकना है तो दिल से ठोको, और अगर ठोकेंगे तो उसको किधर भी मार लग सकती है ना। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ए मेरी बात सुनो, जोश में मत आ जाओ, देखो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम से डील करते हैं, आओ मेरे साथ। आराम से? अपना बॉइल्ड ब्लड है। बॉइल्ड एग नहीं ना। ए शंकर बेटा, तुम लोग भी साथ चलो। हाँ चलो भाई लोग। अरे चॉकलेट, अबे चॉकलेट बॉय इधर आ। छोटे तेरी पर्सनालिटी को ये गेम सूट भी करता है क्या? चल शंकर भाई तेरे को बुला रहे हैं, चल। शंकर भाई, उसे बोलिए आने के लिए। कॉमेडी करता है, शंकर भाई खड़े हैं, ठोक डालेंगे तेरे को, अबे चल। मान जाना बेटा। बाप को बेटा बोला, चल। अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से। जान बच्ची तो मछली बेच कर भी गुजारा कर लेंगे, ये तो मार डालेगा। क्या हुआ रे, वो आ रहा है। अरे ऑन द वे है। क्या बेटा, शहर में नए हो क्या? एड्रेस चाहिए, फैक्ट्री डालनी है। एक काम करो, जुहू बीच के सामने से निकलोगे ना, वहाँ एक सिग्नल है, वहाँ से सीधा निकलना। और अब क्या कर रहे हो बेटे, छोटा पैकेट है पर धमाका बहुत बड़ा है। बेटे दिखने में भी हैंडसम हो, लड़की को पटा क्यों नहीं लेते? ए भांजे, औरत को फूल कहता फिरता है, यहाँ पूरा गार्डन बर्बाद होने वाला है। औरत? ये कौन? वो ग्रीन आर्मी वाली बेटा, तुमने उसे वार्निंग दी थी ना। अबे मेरे आदमियों को तूने मारा, मेरी गर्लफ्रेंड को तूने धमकाया, जिंदा नहीं रहना है क्या? फिलहाल तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, तुम लोगों को कैसे धोना है वो सोच रहा हूँ। कौन है तू, तुझमें इतनी हिम्मत? हिम्मत मेरे ब्लड में है, बॉडी में है, फैमिली में है, सीने में है और दिल में है। तू हिम्मत की बात मत कर, इन फालतू बातों से मुझे चिढ़ है यार। और वैसे भी तुझे मारने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? क्यों देखना है क्या?
ये क्या सर, आपने तो गुंडों की बात की थी, उस लड़की ने तो सच में भेज दिए। हमें तो सिर्फ एनओसी चाहिए था, कौन सा उसे लव शव करना है ना सर? क्या कहा? एनओसी चाहिए था, कौन सा लव शव करना है, यही कहा सर। लव, ये अच्छा आइडिया है अपना काम करवाने के लिए, ये एंगल सही है। मतलब आप उसे लव करेंगे? नहीं, आइसक्रीम शॉप खोलेंगे। सर ऐसा मत कीजिए सर। मिस्टर कौस्तु, हाँ सर, चिल, ये सिर्फ ड्रामा है, लेडीज के साथ डायरेक्ट डील नहीं करते, कभी कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं। ओके सर, इफ यू डोंट माइंड, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बिना टच किए डील कीजिएगा। लेकिन क्यों सर? वो बहुत चिपकू है, आपके गले पड़ जाएगी। ओ हाँ, तब तो बहुत इजी होगा। सर स्वाति, स्वाति उठो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारा बर्थडे है फिर भी उदास क्यों हो? बॉयफ्रेंड्स, विशेस, गिफ्ट्स कुछ भी तो नहीं है, बर्थडे हो या ब्लैक डे सब भी एक ही हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे बर्थडे के लिए तुमने ये सब अरेंज किया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा खुश मत हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, इसके लिए। ये सब मेरे लिए है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मेरे लिए इतने सारे बुकेस? एक्चुअली और ले आता, पर इस शहर में इतने ही मिले। थोड़े से बुकेस क्या ला दिए, तुम इसके जाल में फंस गई, ये चीटर है। मैं जानता था तुम यही कहोगी, मैं फंसाने नहीं चाबी देने आया था। किसकी चाबी? स्मॉल गिफ्ट तुम्हारे। बेंस कार। ए स्वाति, बेंस कार है। ओह ये स्वाति फेवरेट कार है। स्वाति, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। तुम क्या कर रही हो? कोई भी तुम्हें गिफ्ट देगा और तुम ले लोगी, शर्म नहीं आती? हमें तुम्हारा कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। रमेश, रमेश, रमेश। पेइंग गेस्ट हो तो पेइंग गेस्ट जैसे रहो, हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व मत होना। ये फ्रेंड्स कार की वैल्यू पता है अंकल? बेटी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी खुशी होगी, तुमने ये बेंस कार गिफ्ट की, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना होगा। तुम्हारे जैसे बिलियनर को बाहर नहीं रहना चाहिए, कोई किडनैप कर लेगा तो। चलो अंदर चलते हैं, तुम भी चलो। आओ बेंस बाबू, अपना घर दिखाता हूँ, ये मेरे मेहनत की कमाई है, आओ बैठो। अब बताओ ये कार क्यों, ये बलून्स क्यों, ये बुकेस क्यों? क्या अंकल, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ, अगर आप हाँ कह दें तो। बेटा, वो खाली सीट तुम्हारे इंतजार में ही खाली है। थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। ये ओवर एक्टिंग तुम अपनी फैक्ट्री के लिए कर रहे हो ना? मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ? हाँ। मैं आप लोगों को ऐसा लगता हूँ? ठीक है तो चाबियां दे दो। दिव्या, ये लड़का कितना नेचुरल परफॉर्म कर रहा है और तुम इसे ओवर एक्टिंग कह रही हो। जेलस है बेटा, शी इज फीलिंग जेलस। तुम ध्यान मत दो। इट्स ओके अंकल, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ। सुनो बाबू, जल्दी आना। अजी सुनिए ना, बाबू आए हैं। कौन सा बाबू, कैसा बाबू? बेंज बाबू। बेंज बाबू, अरे बाबा। हाय अंकल, हाय आंटी। हेलो अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं स्वाति को बाहर घुमा के लाऊं। फुल नाइट या एक घंटे के लिए? क्या करें? चुप करो। फुल नाइट पब में मस्ती करके आओगे या एक घंटे में डिनर करके आओगे, ये पूछ रहा था मैं। बस एक घंटे के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगी, आज तो हमें नाला सुपारा में सूखे झाड़ों को पानी डालने जाना है, तुम भूल गई क्या? मेरे साथ सूखे झाड़ों को पानी डालने जाएगी तो मेरी बेटी सूख जाएगी। थैंक्स अंकल, मुझे नहीं पता था आप इतना कोऑपरेट करेंगे। हां हां ठीक है, बेटी जाकर फ्रेश होकर आओ। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ। वैसे हम लवर्स कुछ भी करेंगे, पार्टी करेंगे, पब जाएंगे, तुम क्या चाहती? वो नहीं जाएगी, जाने नहीं दूंगी। दिव्या, प्रिंस बाबू हमें मिला इसलिए रो रही हो, तुम अपने रेंज का कोई एम्बेसडर कार वाला क्यों नहीं ढूंढ लेती? कोऑपरेट करना है, शैल अच्छी लगती है ना बाबू, एंजॉय करना। थैंक यू, तुम जाकर पौधों में पानी डालना। बाबू आ गए, देखते हैं हमारे लिए क्या लाए। कार में देखो और भी बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच बाबू, बहुत अच्छा लड़का है। थैंक यू बेटा, काफी पसंद है। हेलो भैया, हम सब जगह ढूंढ चुके हैं लेकिन दिव्या कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई वो? इतनी जल्दी मिल गई तो मजा नहीं आएगा। बैंगलोर में नहीं मिली तो चेन्नई, चेन्नई में नहीं मिली तो दिल्ली, वो जिधर भी है मौत उसका पीछा करेगी। अंकल, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बेंस बाबू चीट है, फ्रॉड है, यही कहना चाहती हो? मैं कुछ और कहने आई थी, वो जिस देश में बड़ा हुआ उसके बारे में। तो कहो। उस देश में सब फास्ट है, लव, ब्रेकअप, सब कुछ। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही स्वाति की मैरिज फिक्स कीजिएगा। कट इट, मैरिज फिक्स। स्वाति। ओह हाय अंकल। नमस्ते अंकल। क्या नमस्ते, तुम कौन हो? हम तो तुम्हें जानते नहीं। अंकल ये कौस्तुभ है, मेरा मैनेजर। ड्राइवर जैसे दिखने वाले आदमी को तुमने अपना मैनेजर कैसे बनाया? इनकी शक्ल ही बता रही है कितने खड़ूस हैं सर।
अंकल जब मैं शहर में नहीं रहूंगा तो ये आपसे मिलता रहेगा, आपसे मिलवाने लाया हूँ, अच्छा आदमी है। अब इसके साथ किसी भी यूज कर सकता हूँ। हाय, कब आए तुम? हाय, ये दर्द बस अभी आया। कहिए कहिए ना प्रिंस बाबू, आप अर्जेंटली अपने माँ बाप को बुला लीजिए। लेकिन क्यों? पंडित ने कहा है कि दो दिन में शादी का अच्छा मुहूर्त है। शादी? यस। अच्छा तो ये इसका प्लान है। प्रिंस बाबू ने रिएक्ट किया तो समझ में आया, लेकिन इस पागल ने रिएक्ट क्यों किया? रमन जी, आपके लिए एक बम्पर ऑफर, मेरी बेटी के साथ मेरी बीवी फ्री। क्या कह रहे हैं पिताजी? चुप करो, विदेश में घर का झाड़ू पोछा करने वालों को भी बहुत पगार मिलती है। तुम दान करना और मेरे अकाउंट में पैसे भेजते रहना। रमन जी, दो दिन में शादी हो जानी चाहिए। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये बोलने वाला तू कौन है? देखिए मैडम, ये शादी है कोई बच्चों का खेल नहीं। एक मिनट बॉस, ये शादी है कोई त्योहार नहीं है जिसे हम मनाते हैं। मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं, मेरा बॉस इससे प्यार करता है। नहीं, नहीं मानता, ये सच नहीं है बाबू, तुम ही बताओ। सॉरी बॉस, सच बोल दिया। अच्छा होगा मैं सच बता दूँ। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है, मैं प्यार स्वाति से नहीं दिव्या से करता हूँ। बाप रे पिताजी, हट जाओ, यू सेल्फिश वुमन, हमारा ही नमक खाती हो और हमें ही धोखा देती हो। अंकल, धोखा मैं नहीं, ये दे रहा है। सॉरी अंकल, सोचा था स्वाति से प्यार करूंगा तो दिव्या को जलन होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। बाबू, अब क्या वो सारे गिफ्ट हमें इस लड़की को देने होंगे? नहीं, आप रख लीजिए। थैंक यू दिव्या। हे दिव्या। बेटी, उसने कहा कि वो गिफ्ट हम ही रख सकते हैं, तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेना। दिव्या रुको, छोड़ो मुझे। देखो दिव्या, तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। दिव्या, जिस तरह से तुम्हें उड़ती हुई चिड़िया और पेड़ पौधों से प्यार है, बिल्कुल उसी तरह मुझे तुमसे प्यार है। मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री छोड़ दी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सभी लड़के लड़की को पटाने के लिए ऐसे डायलॉग मारते हैं, मैं विश्वास नहीं करती। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। तुम्हें एक बात पता है, अगर तुम इजीली मान जाती तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागता, पर अब जब तक तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। दिव्या, दिव्या। भैया, दिव्या इसी शहर में। हमेशा बच्चों से ही प्यार करती रहोगी क्या? कभी तो मुझे भी प्यार कर लो। इमली के पेड़ के जैसी मैडम की बॉडी बढ़ गई है, लेकिन इमली जैसी कुछ नहीं है। कौस्तुभ, आप फील मत कीजिए सर। मैडम, बात कुछ ऐसी है, ये पेड़ पौधों के पीछे भागने से आपको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा ना। आप इस चिकने से शादी कर लो तो आपके गोरे चिट्टे बच्चे होंगे, इस बारे में सोचा आपने? एए, मैंने एक बार सोचा था तो तुम्हारे बॉस की फैक्ट्री बंद हो गई। ज्यादा सोचने पर मजबूर मत करो, वरना तुम दोनों को जिंदा लाश बना दूंगी, समझे? अरे बाप रे, लगता है इसने दादागिरी वाला भी काम शुरू कर दिया। गेट लॉस्ट। तुझे तो मैं लॉस करता हूँ। उसे जाने दो सर, वैसे भी वो हमारे खिलाफ बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। तुझे क्या लगा था हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? भीगी बिल्ली बनकर छुप कर बैठी थी, अब तो कहाँ जाएगी? तू? क्यों बे? अगर तू एक शेर है और वो लड़की एक मेमने का बच्चा, तो पता मैं कौन हूँ? हंटर हूँ। सुन, उस लड़की से मुझे बहुत काम है, अभी इज्जत से निकल ले। छोटे, तू जानता है अपन कौन है? अपन का बैकग्राउंड नहीं जानता है तू? कार्तिक की मार खाने से पहले सभी यही डायलॉग बोलते हैं। मैं यहाँ पर ओपन ग्राउंड में खड़ा हूँ और तू बैकग्राउंड की बात कर रहा है, बंदर की औलाद। जानवरों से बहुत प्यार है तुझे, अभी तुझे बताता हूँ ये बंदर कितनी गुलाटी मारता है। खलास करो इसे। क्या बोला रे? Thank you.
देवा का छोटा भाई है भैया, उसे मार डालेंगे। और वो कौन है? दिव्या का फ्रेंड होगा। फ्रेंड होता तो मत मारो कहकर भीख मांगता या फिर मदद के लिए पुलिस को फोन करता। ये जरूर दिव्या से बहुत प्यार करता होगा। इस बहादुरी से तो कोई प्यार का दीवाना ही लड़ सकता। पिताजी आप यहाँ क्या? चलो। मैं नहीं चलूंगी। एक भी लफ्ज नहीं, चलो। फैक्ट्री के काम से आए थे पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। उस मैडम का बहुत बड़ा बैकग्राउंड लगता है। मैं यहाँ इंडिया फैक्ट्री के लिए नहीं आया हूँ, दिव्या के लिए आया हूँ। दिव्या के जरिए अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ। उसके पिताजी को फोन करके यहाँ बुलाने वाला मैं हूँ। उसे गाँव लेकर जाने वाला भी मैं हूँ। और कल उससे शादी करने वाला भी मैं ही हूँ। दिव्या आ जाओ। ओए, एक लड़की को तो तू संभाल नहीं सका, फिर क्या खाक मर्द है? चुपकर, मर्द वो होता है जो अपनी गर्भवती पत्नी की अच्छे से देखभाल करता है। तेरी तरह बीच रास्ते में छोड़ कर नहीं जाता। रुक जाइए पिताजी, आप भी रुक जाइए। मैं इसीलिए तो भागी थी। दोबारा आप दोनों लड़ोगे तो मैं भागूंगी नहीं, जान दे दूंगी। सही बेटी। उस लड़की को उठाते वक्त वो कौन था जो बीच में आया? पता नहीं भाई, लेकिन उसने इन्हें बहुत मारा और इनकी ये हालत कर दी। इतनी हिम्मत? उससे पंगा लिया तो वो आपको भी नारियल की तरह छीलकर गटक जाएगा। वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, पता लगाओ। तो आप फौरन से फैक्ट्री के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए आए हैं, ऐसा क्यों सर? अगर तुम सच जानना ही चाहते हो तो मेरी माँ के बारे में सुनो। मुझे लगा था मेरी माँ मेरे डैड के साथ खुश है, लेकिन मेरी सगाई के दिन पता चला कि वो बहुत दुखी है। अरे माँ, आप दुखी हैं? आपने गेम खेला और मैंने डबल गेम खेला, कैसा रहा? मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें थी। मैंने जो गलती की मुझे लगा तुम उसे सुधार दोगे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बात है माँ, कहना क्या चाहती हो? मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ कहा कि हमारे कोई रिश्तेदार नहीं। जो लोग मुझे जान से ज्यादा चाहते थे, जो मेरे बिना जी नहीं सकते थे, वो मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। बेटा, मेरे चार भाई हैं और मैं उनकी इकलौती बहन। हम सब एक साथ बहुत प्यार से रहते थे। गांव में मेरे बड़े भैया के एक ही बेस्ट फ्रेंड थे, बल्ली ठाकुर। बल्ली ठाकुर की चार बहनें थीं। अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने के लिए मेरे भैया ने उनकी चार बहनों की शादी मेरे चार भाइयों के साथ और मेरी शादी बल्ली ठाकुर के साथ तय कर दी। पढ़ाई खत्म होते ही मेरी शादी बल्ली ठाकुर के साथ होने वाली थी। इस बीच चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर मुझे तुम्हारे पिताजी से प्यार था। अपने भाइयों को ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी मुझमें, तो मैंने बल्ली ठाकुर को सब बताया। तुम्हारा मतलब क्या है? देखिए, मुझे ये शादी नहीं करनी। सारी तैयारियां हो चुकी है, इनकार कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुमने मुझे जुबान दी थी, इसलिए तेरी बहनों से इनकी शादी की। हमारी कुंडली नहीं मिलती है, ऐसा ज्योतिषी ने कहा। शादी नहीं की तो हमारी बहन को कितना दुख होगा पता है? देखिए, मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। उसके बाद बल्ली ने हमारी शादी कोर्ट में करवा कर हमें विदेश भेज दिया। हमारी वजह से बल्ली ठाकुर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन ऐसा अनर्थ हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। ओके बॉस, निकल। भैया, मेरी बहन की शादी करके उसे गांव से बाहर भेजा, हमारे खानदान को बदनाम किया। अब मैं तुम्हारी बहनों को भी घर से बेदखल कर दूंगा। पति होते हुए भी तेरी बहनें मायके में ही रहेंगी। अपनी बहनों की ये हालत देखकर तू जिंदगी भर आंसू बहाएगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकल यहाँ से, जाओ। उस वक्त मेरी बड़ी भाभी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने भाई के घर एक बेटी को जन्म दिया। खुशखबरी सुनते ही मेरे भैया ने बेटी को घर लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बड़ी होने तक बेटी माँ के साथ ही रहेगी और बेटी की शादी की जिम्मेदारी मेरे भैया की होगी। मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी।
ताकि तुम्हारी शादी बल्ली ठाकुर की बेटी से करवाकर फिर से हमारे टूटे हुए परिवारों के रिश्ते जोड़ दूं। तो मैंने बल्ली ठाकुर से बात की। देखो सुनो, तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जानती हो दिव्या की माँ और मौसी भी तुमसे बहुत नाराज है, इसलिए दिव्या को बहू बनाने का सपना मत देखो। मेरी शादी उनकी बर्बादी की वजह बनी। मुझे लगा तुम्हारी शादी से उन सब की गृहस्थी बस जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपने कोई भी गलती नहीं की है। अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसे सुधार दूंगा। सॉरी माँ, मुझे पैसे की कीमत पता थी, पर आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाया। अब तक मैंने पैसा कमाया, लेकिन अब जाकर मैं उनका प्यार कमाऊंगा, तुम देखना माँ। बाद में दिव्या के बारे में पता किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब चेक किया। पता चला कि वो ग्रीन आर्मी के हेड है। उधर से स्केच किया, हमारी फैक्ट्री के बारे में ग्रीन आर्मी को मेल भेजकर फैक्ट्री को बंद करवाया और दिव्या के करीब पहुंच गया। अब उसका दिल जीत कर अपनी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ। आप लोग हैं कौन? ये मेरे भैया भूपेंद्र, मैं नागेंद्र, ये देवेंद्र और धर्मेंद्र। तो जितेंद्र कौन है? ज्यादा होशियार मत बन। तुमने मेरी बेटी से प्यार करने की हिम्मत कैसे की? प्यार करने के लिए हिम्मत ही चाहिए होती। मैं मना करूं तो? कन्विंस करूंगा। अगर मार डालूं तो? मैं तैयार हूं। अगर कोई उसे मार डाले तो? नामो निशान मिटा दूंगा उसका। और हमारी बेटी को? अपनी पलकों पर बिठाऊंगा। दामाद जी, आप मान गए? तुम्हें तो देखते ही पसंद कर लिया था। अपने घर वालों को खबर कर दो। सर, आपकी बेटी को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। हेलो पिताजी। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। वो लड़का तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। मुझे जान देने वाला और जान लेने वाला ऐसा कोई लड़का नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा लड़का नहीं है, उसकी फिक्र मत करो। जब तुम उससे मिलोगी तो सब समझ जाओगी। उसने और क्या कहा? ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कहा। उन पर कौन था बेटी? पिताजी ने एक रिश्ता देखा है, लड़का कल आ रहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मामा जी, सालों पहले आपकी शादी को लेकर पिताजी आपसे पहले से ही नाराज हैं। आप ये गलती दोबारा मत कीजिए। सुनो, ये छोटी बच्ची है, अच्छा बुरा नहीं समझती है। जो कोई भी इसका रिश्ता लेकर आए उसे गांव के बाहर भिजवा दो। अगर नहीं माने तो खत्म कर दो। इसी गाड़ी में, गाड़ी को उड़ा डालो रे। हमको डरा रहा है क्या? बहुत दिन पहले इसके साथ खेला करता था, अभी बहुत गैप हो गया ना, टच में नहीं रहा, पर भूला नहीं। तो हमें मारेगा क्या? वो तो तेरे दिमाग चलाने पर है बेटा। तू पीछे हटेगा तो सामने मारूंगा, और सामने आया ना तो तेरे पीछे मारूंगा। Oh!
सब अपने कपड़े उतार कर बैठ जाओ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जिसको रूट नहीं पता उसे ड्राइविंग, और जिसका स्टेमिना नहीं उसे फाइटिंग नहीं करना चाहिए, ये समझ में आया साहब? चेहरे से तुम लोग प्रोफेशनल नहीं लगते हो, करते क्या हो तुम लोग? बल्ली ठाकुर के यहाँ काम करते हैं। कितना मिलता है? 2 वक्त का खाना और 1,000। रोज मिलता है? महीने में। मुझे एक बात समझ में आ गई, तुम में से कोई भी गुंडा नहीं है, पेट की भूख ने गुंडा बना दिया। हाँ भैया। तुम सबका बैंक अकाउंट खुलवा कर हर एक के अकाउंट में 10 लाख डलवा देता हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनकी जिंदगी सुधारना। भैया, आप जैसा कहीं वैसा ही करेंगे, आप तो हमारे लिए भगवान समान हैं। कहो दिव्या, आपने जैसे भेजा है, पता है वो कौन है? पता है, तुम्हें प्यार करता है। ओहो पिताजी, वो सब ड्रामा था, वो अपनी फैक्ट्री के लिए ये सब कर रहा है। उसने बताया था कि तुम ऐसे ही कहोगी। पिताजी आप मुझे सुनो बेटी, वो मुझे 4 मिनट में पसंद आ गया, तुम उसे 4 दिन तो देखो, पसंद ना हो तो बात खत्म। हेलो हेलो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसको गांव से बाहर भेजने के बजाय यहाँ क्यों ले आए? देखो ठाकुर साहब, हमें तो दामाद पसंद आ गया, अब आप भी इसे पसंद कर लो। भाई तुम सबका दिमाग खराब है। कूल कूल मामा जी। गुंडों, मामा जी से थोड़ी पर्सनल बात करनी है। तुम सब लगेज अंदर ले जाओ। ए चलो रे, चल जल्दी। देखिए मामा जी, मुझे भूपेंद्र जी ने यहाँ पर नहीं भेजा, मुझे दिव्या पसंद इसलिए आया हूँ। आपकी लव स्टोरी आपको मुबारक, और मेरी मुझे प्लीज कोऑपरेट कीजिए। क्या कोऑपरेट? रुकिए मामा जी, लड़का पसंद भी तो आना चाहिए ना, 4 दिन में खुद ही चला जाएगा, आने दीजिए। ज्यादा हीरो गिरी की तो ओके मामा जी। क्यों सासु माओ, पसंद आया ना? हाँ क्यों नहीं आएगा। चलो अंदर। ए छोरी, तुम उधर लव कट करके आई हो और मैं इधर मैरिज सेट करने आया हूँ, कैसा लगा ट्विस्ट? देखना 4 दिन में तुम यहाँ से चेकआउट करोगे, अपना लगेज रेडी रखो। अच्छा, अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन लहंगा ओढ़नी में लगती है। हाय क्या कमर है, क्या चाल है। इन्हें भी मांझ दो। माई मुझे आज जल्दी घर जाना है। क्यों क्या हुआ? आज कार्तिक श्रावण है ना, मंदिर में दिया जलाऊंगी और अपने घर वाले को देखूंगी। तेरी किस्मत तो अच्छी है, कम से कम त्योहार तो खुशी से मनाती है। हमारी तो किस्मत ही खराब है, 20 साल हो गए हम लोगों ने कोई त्योहार ही नहीं मनाया है। पता नहीं कौन से मुहूर्त में उस महारानी की शादी हुई थी, तब से हम सब बहनों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। उसे क्या, वो तो शादी करके मजे में है। वो तो किसी के साथ भाग गई और हम सबकी शांति भी लेकर चली गई। अरे सासु माओ, क्या मीटिंग है? ओ, मेरी शादी का प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तुझे बाहर कौन फेंके, ये प्लान कर रहे हैं। मैंने तुमसे नहीं पूछा, वैसे एक बात है, आप लोग सासु माँ नहीं, आप तो अप्सरा हैं। इतनी अच्छी अच्छी पत्नियों को छोड़ने के लिए आपको नहीं, उनको रोना चाहिए। हमारी खूबसूरती को छोड़ो बेटा, एक पापी औरत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप क्या सोच रही हैं? यही ना कि पति के बिना मंदिर नहीं जा सकते, त्योहार का दिन है तो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही क्यों? मैं आपको परमानेंटली आपके पतियों से मिला देता हूँ, फिर आप लोग हर रोज मजे करेंगे। ए लड़के, इस घर में सबको झूठे सपने मत दिखा, तुझे हमारे मामलों में दखल देने के लिए नहीं रहने दिया गया है, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है मामा जी, संभल के रहना। आप लोगों ने किसी का मंगलसूत्र पहना है, मेरा वादा है आप उनसे अलग नहीं रहोगे, एक दिन मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ओए, ये तुमसे नहीं होगा। अगर मुझसे नहीं हुआ तो यहाँ से चला जाऊंगा। तू जबान का पक्का है ना? हाँ, अगर नहीं हुआ तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना। एक बार मैंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो जाती है। माँ, मैं गांव पहुंच गया हूँ, अपनी सासुओं से भी मिल चुका हूँ, जैसा आपने कहा था सब बहुत ही अच्छे हैं। माँ नहीं, पिताजी। अरे पापा, वो फैक्ट्री है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तू जैसा समझ रहा है उतना आसान नहीं है। मैं जितना सीधा हूँ उतना टेढ़ा भी हूँ, मैं कुछ भी करने से पहले सब प्लान कर लेता हूँ।
बेटा जब हम यहाँ आए तो उन लोगों ने रोज फोन करके हमें परेशान कर दिया था। कोई कम टॉर्चर नहीं किया हम लोगों को? अच्छा, पर माँ ने तो उनके बारे में अच्छा ही कहा था। कोई बात नहीं डैड, आप तो हमेशा यही कहते हैं कि सामने वाला जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही करो, इसलिए उन्होंने जैसा आप लोगों के साथ किया वैसा हम भी करेंगे। चल निकल यहाँ से। क्या भैया? चल चल। हेलो, क्या साले साहब, ब्रेकफास्ट हो गया? मैं तू है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे फोन किया? फोन करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, फोन की होती है। पैसे? पैसा बोलता है? दे तेरे भाई को। भैया भैया, वो लाइन पे है। कौन है? जिसने फोन किया वो लाइन पे है। कौन है ये बता? अपनी बहन का जो भगा कर ले गया वो। उसने किस लिए फोन किया? गली के कुत्ते साले, हमसे बचने के लिए एड्रेस चेंज करता फिर रहा है। अरे चुपचाप बैठ, सब बदल गया है, तेरा घमंड भी चूर चूर होने वाला है। तू क्या मेरे घमंड को चूर करेगा? बेटी की शादी करने वाले हो? नहीं होगी, उठा कर ले जाएगा। ओए, कौन उठा कर ले जाएगा मेरी बेटी को? मेरा बेटा और कौन, और अभी तक तो वो लैंड भी कर चुका होगा। एक मिनट में मंगल सूत्र पहना कर तेरी बेटी को ले जाएगा। तुरंत शादी रोक दो, ज्यादा होशियारी की। और शादी की तैयारी नहीं रोकी तो तेरे साथ वो 20-20 मैच खेलेगा। ओए, तो उस वक्त मुझसे मिस हो गया। अगर तेरा बेटा इधर आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके तुझे पार्सल भेज दूंगा। हवा आने दे। ए, सुनो। हाँ भैया। वो सरस्वती का बेटा यहाँ आया है, गाँव में कोई अजनबी दिखाई दे तो उसके हाथ पैर बांध कर यहाँ ले आओ। अभी ना। क्या हुआ ससुर जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसका फोन? कुछ नहीं, पुरानी दुश्मनी थी, वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। आओ चलिए। ये क्या खिला रहे हो मुझे, ऐसा खाना कोई इंसान खा सकता है? मैं एक बात बताऊं ससुर जी, मेरे घर का खाना और टेस्ट, वाह 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 वाह, कुछ भी कहिए, खाने का टेस्ट तो घर की लक्ष्मी के हाथों में ही होता है। ससुर जी, कल की ही बात है, वहाँ जो दाल बनी थी उसमें जो तड़का लगा, मेरी पत्नी मीनाक्षी उसमें स्पेशलिस्ट है, उसकी बनाई दाल बहुत टेस्टी होती है। आप सच कह रहे हैं? हैं? परसों मुर्ग मुसल्लम किसने बनाया था, बहुत ही कमाल का था। सुनो, मेरी पत्नी ने। अरे तुम्हें पता नहीं, रुक्मणी देसी मुर्गी बनाने के लिए फेमस है, तुम्हें पसंद कैसे नहीं आता? और ये सब तो ठीक था, लेकिन बड़ी सासू माँ ने जो कड़ी बनाई थी ना, उसे देखते ही मुंह में पानी आ गया था। आप लोगों ने उन्हें यहाँ से भेजा ही क्यों? आप लोग तो यहाँ पर परेशानी उठा रहे हैं और वहाँ बल्ली जी खा पी के ठाट में हैं। आप लोगों का नसीब ही खराब है। भैया सांबर दो। इसे देखो, ये सांबर में शुद्ध पानी डालता है या शुद्ध घी, भगवान ही जाने। अब तो मेरा खाने का भी मूड नहीं है। लेकिन एक बात तो सच है, उस घर में एक पति के सुख के अलावा सारे सुख हैं। क्या बात कर रहे हो दामाद जी, उसका घमंड चूर करने के लिए तुमको भेजा था। वहाँ दिव्या क्या कहती है? दिव्या तो वहाँ बहुत खुश है। अपने घर वालों से शादी की बात की? जी हाँ, वो तो मिलने भी आ रहे हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ससुर जी, मेरे पेरेंट्स को आप नहीं जानते, माँ को शांति चाहिए और पिताजी बहुत ही गुस्सैल है। इस घर में तो एक भी लेडीज नहीं है, वो क्या सोचेंगे बस इसी परेशानी में हो। अरे छोटी सी बात के लिए पत्नियां मायके चली गई, अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी ने भी ऐसा ही किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो अब क्या करना चाहिए? उन सबको बुला लीजिए। ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपके घर वालों के लिए हम 20 साल पुरानी दुश्मनी को भूल जाएं? अगर यही तुम्हारी प्रॉब्लम है तो ये शादी नहीं होगी। अब क्या करूं, बाजी तो पलट गई। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं ससुर जी, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। तो अब इसका सलूशन बताओ ना। टेंट हाउस। टेंट हाउस? हाँ ससुर जी, हम शादी ब्याह में क्या करते हैं, टेंट वाले के पास जाकर टेंट टेबल कुर्सी वगैरह भाड़े पर ले आते हैं, दो दिन इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस कर देते हैं। वैसे ही अपनी पत्नियों को घर लाइए, उन्हें दो दिन अपने साथ रखिए, फिर वापस भेज दीजिए। ऐसा करने से हमारे दो फायदे हैं, पहला ये शादी हो जाएगी, दूसरा उस बल्ली ठाकुर का घमंड चूर हो जाएगा। दामाद जी का आइडिया जबरदस्त है, टेंट हाउस को रेंट देना पड़ेगा या वो खर्चा बच जाएगा। ये आइडिया अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ, लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ लेकर घूमना मत, शादी के बाद वो एक दिन भी ना रुके। अब देखो भैया कैसा मजा आएगा। क्या कहा? वो का गलती से मिस्टेक हो गई। चलो पहुँच गए। ओए सुनो। हाँ भैया। हमारी पत्नियों को बुलाओ। मीनाक्षी, रुक्मणी, कमला, कहाँ हो? सुनो। हाँ भैया। उसे भी बुलाओ। किसे भैया? तुम्हारी भाभी को। भैया सीता को लंका से लेने राम जी गए थे, लक्ष्मण सिर्फ साथ था, आप ही बुलाइए। कल्याणी, मीनाक्षी, रुक्मणी। दिव्या, अपनी माँ और मौसियों को घर आने को बोलो, हम भी जा रहे हैं।
हैं पिताजी। तुम यही चाहती थी ना? आप इतने बदल जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। दामाद ने बदल दिया। जीजू रुको, ये सब हमारे घर पर रहेंगे लेकिन तुम्हारी नजर भी हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। इस गुस्से की आग दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है जो तुम्हें एक दिन जलाकर खाक कर देगी। अब चुपचाप उस दिन का इंतजार कर। भैया उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। मुझे तो दिल से खुशी होगी अगर तुम यहाँ रहने के बजाय अपने पतियों के साथ रहो। मुझे कब से इसी दिन का तो इंतजार था। तुम मुझसे दूर चली जाओगी पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ बहना। तुम्हारी प्यार की बातें खत्म हो गई, अब हम इनको अपने साथ ले जाएं। आओ मीनाक्षी हम साथ में। हाँ भैया तुम लोग सब उसे पीछे वाली गाड़ी में बैठो। जाओ 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 जल्दी बैठो। हाँ सामान सामान पीछे रख दो। हाँ आराम से बैठो। कार्तिक सालों में मेरी भगवान से मांगी हुई मन्नत तुम्हारी सरी पूरी होगी ये मुझे पता नहीं था। मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का वक्त अगर कोई है तो वो आज है। ये लो तुम्हारी फैक्ट्री का एनओसी। मैं यहाँ फैक्ट्री लेने आया था, हमारी फैमिली के लिए आया। फैमिली के लिए? हमारी फैमिली मतलब तुम? सरस्वती मेरी माँ है और ये सच है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो आप मुझे घर में खड़ा भी नहीं होने देते। मेरी माँ की वजह से आपकी फैमिली ने बहुत दुख झेले हैं। उनकी वजह से जो दुश्मनी हुई है उसे खत्म करने आया हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसके लिए मरना भी पड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी में कोई अच्छा फैसला किया है तो वो है इसे दामाद बनाने का फैसला। मिस्टर बाबूराव अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो बचने के लिए क्या क्या करना होगा? इतनी सी बात? आप पहले मर्डर तो करिए, बाद में मैटर मैं संभालूंगा। मैटर देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, मर्डर तुम्हारा होगा। मैंने क्या किया मैडम? जब से वो गया है उसने मुझे फोन तक नहीं किया है और जब मैं करती हूँ तो उठाता नहीं है। आप अपना ईगो छोड़िए और फिर से ट्राई करिए मैडम। वो आपसे शादी करेगा तभी तो आपको 3,000 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है फोन चार्जिंग पर होगा और वो नहा रहा होगा, बाहर आके आपको फोन करेगा। हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। बाबूराव जाकर ट्रे लेकर आओ। गला काट के ट्रे में आपको पेश कर दूंगा। मैडम इफ यू डोंट माइंड इंडिया के लिए मेरा टिकट निकाल दीजिए। नहीं निकाली तो? आप नहीं निकालोगी तो मैं निकालूंगा। बहुत साल बाद हमारी बेटी घर पर आई। जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ दामाद जी। जी कहिए। आपके माता पिता कब आएंगे? फोन पर बात हुई है, बस आते ही होंगे। हाँ मेरे पिताजी और वो मेरी माँ। ए क्या कर रहे हो, फूल डालना बंद करो, अभी तो शादी फिक्स नहीं हुई है, शादी में डालना। पिताजी ये ससुर जी। हाय हाय भैया, कितने दिनों बाद मिले। इसे पति बनना था लेकिन भाई बन गया। अरे दामाद जी आपकी एक बहन भी है, ये हमें पता नहीं था। मुझे भी आज ही पता चला। क्या कहा? मतलब ये आ जा रही है, मुझे पता नहीं था। अच्छा है। लेडीज अपने पतियों के साथ कोई अनबन हुई है, इतना दूर क्यों खड़ी हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे इधर आओ। हाँ आई, लेकिन हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हाय दिव्या, हाउ आर यू? ये कैसे हुआ, आपकी बेटी हमारी बेटी को कैसे जानती है? वो आइसक्रीम की तरह है, जिससे भी मिलती है तुरंत पिघल जाती है। आपकी बीवी तो आइसक्रीम फैक्ट्री लग रही है। ये कौन है? चोरी की आइसक्रीम खाने वाला लगता है। ये मेरे ससुर जी के छोटे भाई। सुनिए जी इन दोनों को देखिए ना, राम सीता की जोड़ी लग रही है ना। शादी करने के लिए सिर्फ लड़की अच्छी हो जाने से कुछ नहीं होता, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। बेटा तुम्हारा सिलेक्शन सुपर है। ए सुनो 10 मिनट में खुश मत हो जाना, मैं पहले इन्हें स्टडी करके रिव्यू करके रेटिंग दूंगा। आइए अंदर चलो। अपनी बेटी को यहाँ लाना जरूरी था? पेमेंट तुमने दिया इसलिए मैं उसे नहीं लिया है।
अगर तेरे मैनेजर से मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं क्या करता? असल में मेरी बेटी कैरम के कॉइन जैसी है, जो भी स्ट्राइक करेगा गत्ते में गिर जाएगी। हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? अंदर ओवर एक्टिंग मत करना, चलो। ओके। भैया क्या हुआ? वो आ गया भैया। कौन? वही भैया। वही कौन? आने वाला था। नाम तो बताओ। सरस्वती का बेटा। ये तो बचपन का फोटो है। हैं? अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ड्स होंगे, देखो कहीं उसमें फोटो है। इंग्लिश में लिखा है, मैं देखता हूँ। देखो, मुझे इंग्लिश आती नहीं, इसे कैसे मालूम? मुझे तो फोटो देखना है, क्या वो भी इंग्लिश में होता है? ऐसा कंफ्यूजन है। ससुर जी, यही है इस फोटो में जो लड़का है, वो यही है। मेरी होने वाली पत्नी को उठाकर लाए हो? हे, तू यहाँ क्यों आया है? मैं उसे उठाकर ले जाने आया हूँ। ओए, तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत मेरे खून में है। अगर पता करना है तो जाओ ऊपर जाकर मेरी माँ से पूछ लो। जाओ जाओ। देखते क्या हो, मारो इसे। ससुर जी, ये मेरी शादी रुकने आया है, इसे मैं देखूंगा। मारो साले, मारो। तूने तो मुझे बचा लिया यार। वो बात नहीं है सर, इनमें दिमाग नहीं है। सबको पता है कि आप स्वाति को कैसे लाए। तू पागल हो गया है? लगता है तुझे मेरी कहानी याद नहीं है। मैं यहाँ देख कैसे शादी करने आया हूँ। तो स्वाति और सब क्यों आए? मेरी पेरेंट्स बनकर आए हैं। मतलब स्वाति आपकी बहन हुई तो मैं सेफ हूँ। लेकिन उस गाँव वाले पर भरोसा नहीं है सर, वो पैसों के लिए कितने भी रिश्ते बदल सकता है। भीख मंगा कहीं का। कौस्तुभ, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ यार। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? हाँ सर। मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। यहाँ कोई कुछ भी पूछे बोलना यस सर। यस सर। अब क्या? मार। तो बोल, तू यहाँ दिव्या के लिए आया? यस। सरस्वती का बेटा है? यस। हमारी बेटी को ले जाएगा? यस यस। बताओ हम तेरे साथ क्या करेंगे? यस यस यस। जब इसने सब कुछ मान लिया तो डिस्कशन क्यों? मार डालो। रुको, इसे मारकर हमें क्या फायदा होगा? ये जिस शादी को रोकने आया था वो शादी इसकी आंखों के सामने होगी, इस तरह इसके बाप को भी शौक लगेगा। अब सुन ले, यहाँ मेरे ससुर जी मेरी शादी धूमधाम से करने वाले हैं और वहाँ पर बैठकर तेरे माँ बाप फूट फूट के रोएंगे। क्यों ससुर जी? तुमने जो भी कहा सही कहा, शादी होने तक ये यही रहेगा। अच्छा, सरस्वती के बारे में तुझे कैसे पता? कैसे पता नहीं हुआ ससुर जी, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को सोने तक यही नाम सुनता रहा है। ये तो हर पॉइंट पकड़ लेता है, पता नहीं मेरी बात पर यकीन किया कि नहीं। एक मिनट, हे भगवान। ओह, ये मैं कहां फंस गया? ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे नागेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, अरे नागेंद्र, सब क्या कर रहे हो? भैया, अरे भैया, अरे रुकना। हाँ अभी आया। भैया आपने बुलाया? आने में इतनी देरी क्यों की? अंदर क्या कर रहे थे तुम लोग? अभी ठीक करता हूँ। भैया वो मैं लुंगी पहन रहा था, लुंगी। क्या कहा? अरे कहाँ गए, जल्दी आओ। मीनाक्षी, वो कौन सी चीज कहा है ना, उसे बता रहा था मैं। मेरे सामने पागलों जैसी बात मत करो। चलो सभी हॉल में सो जाओ। सुना सब लोगों ने, कल से हॉल में सोना होगा। ठीक है भैया, गुड नाइट। ठीक है, इसी वक्त से हॉल में सोना पड़ेगा। भैया भैया क्या है? एक घंटे की तो परमिशन दो। वो किस लिए? वो मेरा इंतजार कर रही है। तो जाओ भैया। जाओ, नाराज हो रहे हो? तेरी तो फंसा दिया ना। अरे तो मैं क्या करूं? मैं जाकर तुम्हारे बेडरूम में सो जाऊं। क्या क्या कहा? बेडरूम में सोएगा? 20 साल से हम लोग हमारे बेडरूम में नहीं सोए। अरे यार, मच्छर काटते इसलिए पूछा बेडरूम में सो क्या? गलत पूछा क्या? ओए, देखो कौन है। बाबूराव, ये यहां पर क्यों आ गया? ओ
अरे भूपेंद्र, तेरा आखिरी समय आ गया और ये समय लाने वाले का चेहरा देख ले। अरे कम। ओए, तू कौन है? वीकेंड बाबूराव। पुर्तगाल में मेरा नाम पूछे तो गली गली का वीक आदमी हो या स्ट्रॉन्ग आदमी या डॉन हो, एपिसोड वाइज मेरे बारे में बताएगा। तो अपना शहर छोड़कर यहाँ क्यों आए? शादी करने वाले लड़के को तुमने घर में लॉक करके रखा है, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? विदेश में उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो इंडिया के नाम से तुम्हारे गाँव का नामो निशान मिटा सकता है। तेरा बीपी बढ़ा तो तुम्हारे नौकर कांपते होंगे, मेरा बीपी बढ़ा तो पूरा पुर्तगाल कांपता है। और नौटंकी की तो काट दूंगा। अभी तक तुम लोगों ने पेड़ पौधे कटते हुए देखा होगा, नारियल को कटते देखा होगा, पर गला कटते हुए अभी देखोगे। मैंने इंसान को काटना शुरू किया तो तलवार को भी आंसू निकल आते हैं। ये क्या कॉमेडी कर रहे हो? मेरे इमोशंस तुम्हें कॉमेडी दिख रहे हैं? तेरे घर में जो मेहमान आया है उसे तुम बंद करके रखोगे? किसको? ऐसा मत सोचना, उसका कोई नहीं है, उसे लेने मैं आया हूँ। तुझे किसने भेजा है 1.5 फुटे? ये तो सब गड़बड़ कर देगा। मेरे आँख बंद करके खोलने से पहले वो मेरे कार में होना चाहिए और तुम लोग अपने घर के अंदर। नो मोर डिस्कशन। तूने फेस टू फेस आकर बहुत गलती कर दी। तेरे सामने अग्निकुंड आए या तू अग्निकुंड के सामने जाए, मरेगा तू ही। शादी होने तक ये यहीं रहेगा, उसके बाद दोनों को खत्म कर दो। सर, मेरे लिए मेरी फैमिली नहीं आई और आप इतना रिस्क लेकर इतनी दूर से आए हैं। यू आर वेरी ग्रेट सर। अरे कौन है रे तू, और तू किस रिस्क की बात कर रहा है? तो आप मेरे लिए नहीं आए हैं? मैं तेरे लिए क्यों आऊंगा? एक बात बता। हाँ। ये लोग शादी के बाद हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे। हाँ। तो फिर शादी किसकी? हमारे कांटे साहब की। अरे वहाँ उसे दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ये लड़की कौन है? भूपेंद्र की बेटी है। भूपेंद्र की बेटी? या तू वो जो कह रहा था शादी इसी के साथ है? हाँ? तो फिर वो शादी कैंसिल। ये बात स्वीटी मैडम को पता चलेगी तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारा सिर कट जाएगा। मैं अपनी स्वीटी मैडम को फोन करता हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? शादी हुई तो कितने मिलेंगे? 2 मिलियन यूरो मिलेंगे। मैंने 3000 करोड़ का प्लान सोच रखा है तुम्हारे लिए। तो मना किसने किया बताओ ना। इस महीने के आखिरी दिन 12 बजने से पहले तुम्हारी स्वीटी मैडम की शादी नहीं हुई तो उसकी प्रॉपर्टी गई ना। फूटी कौड़ी तक नहीं बचेगी। तब तक उसे भरोसा दिलाओ कि शादी मुझसे ही होगी। लास्ट मिनट अगर मैं मर गया और उसके पास कोई नहीं बचा जिससे वो शादी कर सके तो पता है वो क्या करेगी? बताओ क्या करेगी? वो तुमसे शादी कर लेगी। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। अब तक जिंदगी में कईयों को सलाह दी और उनकी लाइफ बदल गई। अब तुम्हारी सलाह से अपनी लाइफ बदल दूंगा। स्वीटी इज माइन। ओह, मेरी होने वाली बीवी। हाय स्वीटी। कार्तिक मिला? हाँ मिला। क्या कह रहा है वो? देखो, हम दोनों की लाइफ बदलने वाली है। What? तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम हनीमून की तैयारी करो। थैंक यू। ओके मैम। मेरे बॉस को अपनी पत्नी बनाऊंगा। आई लव यू। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा है। हाँ ससुर जी, मेरी माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। क्या बात कर रहे हैं दामाद जी, ये घर तो आपका ही है। कहने से क्या होता है, ताजमहल हमारा है, कहने से हो जाएगा क्या? इसे ही दहेज समझिए और रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम इनकी शादी कर देंगे, ठीक है? बाद में बदलोगे तो नहीं? हम अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। भैया जरा इधर आइए। अब यार सुनो बेटा, तुम्हें ऐसे छोटे से घर की क्या जरूरत है? तुम्हारे प्रॉपर्टी के सामने तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट होगा, देखते जाओ। क्या कह रहे हैं भैया, ये घर सरस्वती के नाम है और आप उन्हें जमान दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? हाँ भैया। हाँ, एक काम करते हैं, हमारा एक छोटा सा घर है वो इनको दे देंगे, लेकिन हम ये घर नहीं दे सकते, जाकर उनको कह दो। क्या बात है, यहाँ मीटिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है दामाद जी, बस कुछ नहीं है, घरेलू समस्या है। ये घर किसी और का तो नहीं है ना? नहीं, घर तो हमारा ही है, लेकिन हमारी बहन के नाम पर है, वो विदेश में रहती है इसलिए बातचीत नहीं हो पाती। ससुर जी क्या बोल रहे हैं? आपने कहा था पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी, आप क्या बोल रहे हैं? कार्तिक, क्या खिचड़ी पक रही है बताओ तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी को गुस्सा आ गया, अब क्या होगा? गांव में बहुत सी उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे, उसे तो गोल्ड माइन समझो। गोल्ड लेकर मेरी माँ क्या करेंगी, उनके पास तो पहले से ही बहुत सारा है, आपके गोल्ड से क्या वो घर के बर्तन बनवाएंगी? जो गोल्ड में नहीं वो क्या इस घर में है? ये थोड़े ही कोई राजमहल है। ससुर जी, आप मेरी माँ को नहीं जानते, 2 बार उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। मेरी माँ ने पिज्जा मांगा और पिताजी बर्गर लेकर आ गए, उसी वक्त उन्हें अटैक आ गया, तब वो पहली बार था। बर्गर का क्या? नहीं, पिज्जा का। एक बार माँ ने ऑडी कार मांगी, पिताजी पुरानी गाड़ी लेकर आ गए, इस बात से फिर से माँ को हार्ट अटैक आ गया, तब वो सेकंड टाइम वाला हार्ट अटैक था। ससुर जी एक बार वहाँ देखिए, देखिए वो कैसे सेल्फी ले रही है। मेरी माँ को कुछ भी मिल जाए वो उसे अपना समझ कर रख लेती है, और जब पता चलता है कि उनका नहीं है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तीसरा सेंटीमेंट क्या है? तो बता रहा हूँ ना, सेंटीमेंट की बात मत कीजिए, स्टेंट लग चुके हैं उन्हें। आपने क्या कहा था? मेंट। उससे पहले सेंटी। ससुर जी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? टेंट हाउस। क्या कहा?
अरे सरस्वती मेरी बात, जैसे हम अपनी पत्नियों को यहाँ पर बुलाकर लाए उसी तरह अपनी बहन को भी यहाँ बुलाएंगे, उससे साइन करवाएंगे और वापस भेज देंगे, है ना? इंटेलिजेंट, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ को फिर से हार्ट अटैक ना आए। अरे क्या दादाजी, भैया सोचिए, पहले इनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मान जाइए ना। वैसे मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए मान जाता हूँ। थैंक यू ससुर जी, मेरी माँ की जान बचाने के लिए। सुनो हाँ भैया, सरस्वती के बेटे को बुलाओ। क्या बात है, आपने बुलाया? तुम्हारे माँ बाप को फोन करो। कौन से माँ बाप? कितने माँ बाप है तेरे? तुम जिसे समझ रहे हो वो माँ बाप या जिसे मैं समझ रहा हूँ वो माँ बाप? ससुर जी, ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। एक बार तो मेरे माँ बाप को फोन करो। मेरे माँ बाप है तो मेरा दामाद क्यों फोन करेगा? बात नहीं है सर, रात को फोन आया तो इसने मेरे माँ बाप को फोन किया, तो उसमें सेव हो गया सर, आप कीजिए ना। मैं हूँ। मैं हूँ? कौन है? मैं ही हूँ भैया। हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बेटी की शादी पक्की हुई है, तुम अपने उसको लेकर आना। ठीक है भैया। सुनो, सरस्वती आ रही है, याद रखना उसके साथ इधर उधर की बातें मत करना। हाँ। जैसे तुम सब इस वक्त अपनी पत्नियों के साथ एक्ट कर रहे हो, ठीक उसी तरह उसके सामने भी करते रहना। हाँ। क्यों, ठीक है? हाँ, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। कार्तिक, क्या? मेरे साथ आओ। अब बोलोगी? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक, ये सब एक गेम है क्या? पिताजी और मामा जी पहले जैसे नहीं रहे, ये सोचकर माँ और मौसी अब बहुत खुश हैं। जब उन्हें पता चलेगा ये एक गेम है तो वो जहर खाकर मर जाएंगी। उन्हें धोखा देकर मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकती कार्तिक, ये शादी नहीं होगी। हम गेम खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे दिव्या? इतनी मुश्किल से मैं इन सबको करीब ला रहा हूँ, इन सबको मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। उन्होंने जो गलतियाँ की है वो सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये सब होने के बाद ही हमारी शादी होगी, ठीक है ना? भाई, अन्ना को मारने वाला भूपेंद्र ठाकुर का रिश्तेदार है और वो भूपेंद्र की लड़की से शादी भी करने वाला है। जैसे जंगली कुत्तों का झुंड एक साथ रहता है, वैसे ही ये भी एक जगह पर मिल रहे हैं। उस भूपेंद्र ठाकुर के घर पर शादी नहीं होगी, बल्ली। हम सब ठीक है बहना, आओ। ससुर जी, मूड बदलिए। टेंट हाउस, टेंट हाउस। ठीक हो? कहो सफर कैसा रहा? अच्छा। सफर तो बहुत बढ़िया, दूर से आए हो ना, आओ आराम कर लो। स्वीटी, मैडम सडनली यहाँ कैसे आ गई? क्या ट्विस्ट देने वाली? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। हाय डार्लिंग, मैं तुम्हें यहाँ का सरप्राइज देना चाहती थी। हमारी शादी यहाँ होने वाली है और मुझे ही नहीं बताया। कम से कम फोन पर ही बता देते। ये लड़की कौन है? हमारी होने वाली बहू। हाँ, मैं ही इसकी होने वाली दुल्हन हूँ। क्या सच है? फिर दोनों गर्दन क्यों हिला रहे हो? गर्दन में दर्द है। आंटी जी, क्या ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं? पहले क्यों नहीं बताया? स्वीटी, मेरे भैया, तुम्हारे मामा ससुर ये रिश्तों के बारे में नहीं समझती। नाइस टू मीट यू। शादी की तैयारी अच्छे से करना। चलो अंदर चलो। सुनो, तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो। विजिट बड़ी रोमांटिक कर रही हो मैडम।
मुझे कहा उसे लेकर आता हूँ और यही सेटल हो गए यू इडियट। थप्पड़ खा के हंसी आ रही है। यू कम इनसाइड, आई वांट टू टॉक टू यू। बाय कार्तिक। बाय कार्तिक। मुझे अंदर बुला रही है। यस खुश रहो बेटी। तुमने झूठ कहा कि तुम स्वीटी से शादी कर रहे हो, लेकिन पता नहीं था मुझे मेरे मायके ले आओगे। पिताजी, स्वीटी को यहाँ क्यों लाए? वो क्या हुआ ना बेटा? कार्तिक की शादी हो रही है। हा? तो भैया ने हमें फोन करके तुरंत आने के लिए कहा है। अरे भैया, जल्दी टिकट्स बुक करवाइए। समझो, हो गई। कार्तिक की शादी मतलब? मेरे भैया ने अभी फोन करके ये कहा कि कार्तिक की शादी विदेश में क्यों, हमारे रीति रिवाजों के साथ गांव में करेंगे। तो फिर मेरे बगैर शादी कैसे होगी? तुम क्या कह रही हो, हम तुम्हारी तो बात कर रहे थे। हाँ। और तुम आ गई। वाओ, मैं शादी के अरेंजमेंट्स को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। अंकल, ये बात हम कार्तिक को नहीं बताएंगे, सरप्राइज देंगे। अब पता नहीं मैं उसे कैसे संभालूंगा। मेरे स्वीटी पर कौन सा कलर जमेगा बताओ ना, अभी ये सब बताना जरूरी है। ऑफ कोर्स, कलर मुझे ही चूज करना चाहिए। ये लो अभी, ये तुम पर जचेगी। ओए टेंट हाउस, टेंट हाउस से। चलो दुल्हन को बुलाओ, साड़ी सिलेक्ट कर लेगी। अरे बाप रे, ये क्या पहन के आ रही है? She is coming. जल्दी कुछ कर वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? दिव्या से मेरी शादी हुई तभी तेरी शादी होगी। अब जा। मैडम रुक जाइए। क्यों रुकूं? आपके कपड़ों में छिपता कम दिखता ज्यादा है, तुम्हें सब घूर घूर कर देख रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है ना। देखो ये साड़ी दुल्हन पे बहुत जचेगी है ना? बताओ ये क्या है? ये साड़ी दुल्हन की है? हमारी नौकरानियां भी ऐसी साड़ियां नहीं पहनती। पर मुझे पसंद है। तुझे पसंद होगी लेकिन मुझे पसंद नहीं है। दुल्हन के लिए कोई भला ऐसी साड़ी सेलेक्ट करता है? ये कितने की है? 1 लाख तक की है। What? दुल्हन की साड़ी मिनिमम 10 लाख की होनी चाहिए। सिर्फ साड़ी नहीं, हर चीज कॉस्टली होनी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्रैंड वेडिंग। ये गुस्से में भी कितनी हॉट लगती है। नहीं उसे ऐसे मत देख, तेरी हसीना निकालेगी पसीना। सही कहा, मैं आंखों पे चश्मा लगा लेता हूँ। तुम तो दूल्हे हो ना कार्तिक, तो तुम खुश क्यों नहीं नजर आते? तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शादी यहाँ करने से क्या होगा? शादी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूरोप में ही शादी करनी चाहिए थी। मुझे सब कुछ कंट्रोल में पसंद है, भूल गए? ये मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही है? ये होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने वाली? ओए, तो अपनी बीवी को कंट्रोल में रख। आप जरा भी परेशान मत होइए सर, शादी के बाद मैं उसे कंट्रोल में रखूंगा। अबे, ये कौन होता है तेरी बीवी को कंट्रोल करने वाला? मतलब ये कि 10 लोग ट्राई करें तो किसी ना किसी के तो कंट्रोल में होगी। आप ऐसी घटिया बात दोबारा मत करना। क्या तू भी कैसी बात करता है? दामाद जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों हर बात पर गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। मेरे माँ बाप बोलते तो मुझे फर्क पड़ता, मेहमान है छोड़िए ना उसे। समझी जी, आपको ये शादी पसंद है? नहीं, उन्हें पसंद आनी चाहिए। उन्हें पसंद आएगी तो हमें पसंद आएगी, और हमारे स्टेटस के हिसाब से कम 20 लाख की तो होनी चाहिए। ये पोछा लगाने के काम आएगी। सुनो, इसे काट कर छोटे टुकड़े कर देना और भाई को देना, वो पोछा लगा लेगी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया तो? सॉरी माय सन। और सुनो, ये सारी का किस्सा बाद में, पहले इस घर का क्या हुआ? 2 दिन के बाद शादी है, रजिस्ट्रेशन कब हुई? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। उसे जल्दी सिग्नेचर करवाने। हमारे टॉर्चर वो अब तक भूल नहीं पाई है, हमारी कमजोरी उसके पास है। अगर उसने साइन नहीं किया तो जबरदस्ती करवाएंगे। वो राजी हो भी जाएगी लेकिन उसका पति मानेगा क्या? जरूरत पड़ी तो उसकी गर्दन पर चाकू रख के साइन करवाएंगे। जरा ये परफ्यूम पकड़िए। अरे भैया आइए ना, पता है मैं आपके ही पास आने वाली थी, सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ना, ये आपके लिए। और सुनो ये सब बाद में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। कुछ नहीं, वो लड़की है सोचकर पिताजी ने ये घर तुम्हारे नाम किया था ना, अब बड़े भैया ने ये घर किसी और को दे दिया है। तुम्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आकर साइन करनी होगी। इसमें क्या है भैया, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आप पेपर्स रेडी कर लीजिए, जहाँ भी साइन करना हो मैं कर दूंगी। हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए साले साहब, हम इतनी दूर से सिर्फ आपका दिल जीतने आए हैं। आपसे दूर रहकर भी वो 20 साल से ये परेशान जिंदगी जी रही थी, मैंने सब देखा है। एक बात कहूँ साले साहब, आपकी बहन को न जाने
कितनी ही रातें हिचकियां आई होंगी, और वो हिचकियां आप सब भाइयों के लिए थी, और ये आप सबकी यादों में 20 सालों से घुट घुट कर जी रही थी। 20 साल के बाद जब इसने अपने घर की चौखट पर कदम रखा, तब मैंने इसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। मुझे इस जमीन जायदाद की नहीं, आप सबकी जरूरत है भैया। ठीक है ठीक है, तुम बस साइन करो और फिर चली जाओ। आओ चलो। सब ठीक हो जाएगा भैया। देखा आपने, हम सब सरस्वती को गलत समझ रहे थे। पिछले 20 साल से हम उससे नफरत कर रहे हैं, और वो 20 साल से हमसे सिर्फ प्यार कर रही है भैया। ये क्या, इतनी जल्दी पिघल गए? भूल गए हमारे साथ क्या हुआ था? भाभी, ये आपके लिए लाई हूँ। मेरी माँ, हमें माफ कर दो, तुम्हारी वजह से ही हमारे पति इतने साल हमसे दूर रहे। भगवान की कृपा से हम दोबारा इस घर में आ सके हैं। माफ करो, इसे अपने पास ही रखो। रुकिए माँ, आपने इस घर में कदम रखे हैं तो भगवान की वजह से नहीं, इनकी वजह से। दिव्या, मुझे बोलने दीजिए, इन्हें सच पता चलना चाहिए। हाँ तो रुक क्यों गई? कार्तिक इन्हीं का बेटा है। बोल दिया ना, तुम औरतों की पीठ में बात पचती नहीं। ये बात नहीं है कार्तिक, माँ और मौसिया। सुन लिया मैंने। सुनिए सासू जी, मेरी माँ से एक गलती हुई जिसकी वजह से आप सबको 20 साल तक दुख सहने पड़े। मेरी माँ को इतना अफसोस है कि वो हर दिन इस बात पर रोती है, इसलिए उसे सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अगर मेरी माँ कहे तो मैं धरती और आसमान एक कर सकता हूँ। आपको आपके पतियों से मिलाना कौन सी बड़ी बात है? मुझे माफ कर दो भाभी, हम सब अपने पतियों से इतने साल दूर रहे, और तुम भी हमसे दूर रही, लेकिन तुम हमसे उतना ही प्यार करती रही, और हमें भी माफ कर दो। ये तुम्हारे लिए। माँ, तुम खुश हो ना? ठीक है, सास वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, अब सॉल्व करते हैं मामियों वाली प्रॉब्लम। ये ठंड भगाने के लिए अंगूर की बेटी की क्या जरूरत है, उसके लिए तो स्वीटी काफी है। तो ये यहां सो रही है? सो गई क्या? आ लवली, क्या फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने, दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। सुपर। ओ सा, अरे क्या हुआ, इतना झटका क्यों मार रही हो? दिबिन, गजब। अरे मेरे छूते ही तुम्हें करंट लग जाता है। मेरे हाथ में पावर है। आ स्वीटी, मेरी जान, जब से तुम इस घर में आए हो मेरे तन बदन में आग लग गई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये आग तुम में भी लगी होगी। क्यों है ना, आ जाओ, अब आ भी जाओ, आ जा। अरे बाप रे, सर आप, मेरे पति मारी गई थी, मुझे माफ कर दो। अब बता, इनमें से किस पर तेरी नजर थी? चल बोल, किसे समझकर मेरे पास आया था? अबे बोल, तेरे मुंह में दांत नहीं है क्या? औरत चाहिए तुझे, औरत चाहिए। मारो इसे, मारो। बता, बता, कमरे में क्यों गया था? बता, बता, बता नहीं तो दांत तोड़ दूंगी। क्यों है? कैसे बताऊं कि मैं तेरे लिए आया था? ऐसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मारो इसे, रुके रुक जाइए। क्यों मार रहे हैं इसे, क्या बात है? इसकी नजर घर की किसी औरत पर है, मेरे कमरे में पागलों जैसी हरकत कर रहा है। मार मार के बाहर रुक जाइए, रुक जाइए, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अबे कुछ दिन तो कंट्रोल कर लेता। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी तरह से स्वीटी को देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तू देख रहा है उन लोगों को, तुझे मार डालेंगे। कुछ भी बोलकर मैनेज कर ले यार। हो तो ये बात है, तुझे पहले बताना चाहिए था। ससुर जी इसे एक वीकनेस है। कैसी वीकनेस दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, इसे नींद में चलने की आदत है। सुबह किसी फिल्म में श्रीदेवी को देख ले तो रात में उसी के सपने देखने लगता है। Is it? Yes, madam. आपके कमरे में आ जाओ तो चिल्लाना मत, मुझे कोऑपरेट करना है। मार डालूंगी। चलो जाओ सब।
What are you doing? I don't know what I'm doing, madam. तो ये वीकेंड बाबूराव, वीकनेस बाबूराव भी है। अगर बोनी कपूर को पता चल गया ना तो तेरी जबान मतलब मेरी जबान काटेगा। बाबूराव कूल कूल, नहीं छोड़ो तू। तेरे आने से पहले सबने मिलकर मुझे बहुत मारा है, इतना दर्द हो रहा है मुझे। Excuse me, मिस्टर, वहाँ बैकेट में दिव्या को हल्दी चंदन लगाकर नहलाया जा रहा है। मैं सुबह से ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? कल मेरी शादी है और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसकी शादी है उस पर ध्यान देंगे ना, तुम पर क्यों ध्यान देंगे? तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। लड़की की प्रॉब्लम क्या है? रोज रोज इसकी आँख बहुत ज्यादा फड़क रही है ना। बाबूराव क्या कर रहे हो, ऐसी आवाज़ें मत निकालो। मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। कार्तिक, व्हाट्स गोइंग ऑन? तू हर बात कार्तिक से क्यों पूछ रही है? ये शक्य मौत, ओके? मैं इससे बात कर रही हूँ। मैं लिखता हूँ। तो रुक, मैं देखता हूँ। क्यों रे स्वीटी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट ए टच, अच्छा लगा। ग्रेट, दुल्हन मैं हूँ या वो है? तो बाबूराव सुनो, स्वीटी, इंडियन मैरिजेस में दो लड़कियां दुल्हन बनती हैं, एक शादी की दुल्हन और दूसरी बहन। अगर वो शादी की दुल्हन है तो तुम उसकी बहन, और अगर तुम शादी की दुल्हन तो वो तुम्हारी बहन। गॉट इट? ये क्या बकवास है? दुल्हन शादी की दुल्हन की बहन, दो दुल्हन। ओके, सो मैं ही दुल्हन हूँ, राइट? ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की बहन है। बेटी, तुम्हें भी हल्दी लगा कर नहलाते हैं। लड़की है ना भैया, अगर इसे भी नहीं नहलाया तो ये बुरा मान जाएगी। हाँ ठीक है, लगाओ। इस डर्टी पिक्चर को तो देखा भी नहीं जा रहा है, ले जाओ इसे यहाँ से। अब तुझे क्या हुआ? वो डर्टी पिक्चर नहीं है, मेरी ड्रीम पिक्चर है। डोंट हर्ट हर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? दूल्हा बनने का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। मेरा मतलब है कि दूल्हा बनने का समय आ गया है, उसे तैयार कर दो। जल्दी करो कार्तिक। हाँ जी माँ। चलो बेटी, ले जा। अगर भैया यहाँ होते तो कितनी खुश होती। बहन जी, अब जरा दुल्हन को बुलाइए। ये क्या, वो क्यों आ रही है? क्योंकि भैया वो दुल्हन की बहन है, दुल्हन की बहन, दुल्हन की बहन। सुनिए, अब आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दिव्या, ये क्या कर रही हो? उनके पैर क्यों छू रही हो? खामोश, मेरी पत्नी बाहर बैठी है, समय पर आशीर्वाद लेना चाहिए, मैंने उसे ऐसा कहा था। देखा जाए तो मेरी पत्नी भी 20 साल से बाहर है। तुम चुप बैठो, ये वो बात नहीं है। है? तो कौन सी बात है? हाँ। अच्छा, वो प्रॉब्लम है। आशीर्वाद दीजिए सासू। आई लाइक दिस कल्चर। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। वो दुल्हन की बहन है ना। साहब, दूल्हे को बुलाइए। You are so cute. ये क्या दामा जी, ये तो आपके पप्पी ले रही है। एक्चुअली फॉरेन में ये बहुत ही कॉमन है मामा जी, हमें यहाँ पसंद है तो हम नमस्कार करते हैं, नहीं तो शेक हैंड करते हैं, वहाँ पर हग करते हैं और किस करते हैं। ये कल्चर इंडिया में क्यों नहीं है? सोना है मेरा। सिचुएशन का एडवांटेज लेकर बहुत खुश हो रहा है। ले बेटा ले, तेरे दिन है, ऐश कर ले। अरे कैसी किस्मत है हमारी, मामा मामा करते सो गया भांजा, इलाज में पैसे भी बहा दिए पानी की तरह। क्या हुआ, कुछ बंदोबस्त हुआ? क्या, आइए डॉक्टर। हमारे एमडी आपकी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं। मेरे पास एक ऑप्शन। वो क्या है? इनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर अगर आप साइन कर दो हाँ, तो मैं सारे करेक्शन निकाल देता हूँ, पेमेंट भरने की जरूरत नहीं होगी, यही मर जाएगा। एक और फायदा भी है। वो कैसे? किसी को जरूरत होगी तो इसके गुर्दे निकाल कर बेच दो। थोड़ी देर में सोच कर बताता हूँ आपको। साइन कर देंगे ना।
बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग करके बेच देंगे, पैसे कमाएंगे। क्या हुआ, आंखें चाहिए या उसका भेजा चाहिए? नहीं ले सकता, उसका भेजा है ही नहीं। पीछे देखो। अरे भांजे उठ गए तुम। लड़की कहाँ है बताओ? और कहाँ होगी, उसकी तो शादी हो रही है। नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो हम क्या करें? किडनैप कर लो। मुश्किल है भांजे, उस चॉकलेट बॉय ने हम सबकी शक्लें देख रखी है। गोली वाला ब्रदर्स को कॉन्टेक्ट करो। अरे अरे क्या हुआ? संभाल कर जाओ। संभल के जा रहा हूँ। क्या यार, तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। क्यों मानूं? कभी सही बोला है। कौन सी राशि का है तू? कुंभ राशि छोटे। ये ले, ये रख ले। पैसे क्यों दिए? कोई शुभ काम करने नहीं आए, किडनैप करने आए। अगर तू फंस गया ना तो सीधा ट्रेन पकड़ के कोलीवाड़ा चले जाना। ज्यादा फेंको मत, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। की बार बहुत जोर से मारना। मुझे क्यों मारा? तुमने ही तो बोला था। मैंने तो ऐसे ही बोला था। सॉरी भाई। कोई बात नहीं, किडनैप करने का टाइम आ गया। क्या बात है, बिल्कुल सही टाइम पे लाइट चली गई। मुझे तो डर लग रहा है भैया। चुप, डर वर कुछ नहीं। सुबह शादी है, सामान और टेंट हाउस और हमारी पत्नियां वापस जाएंगी। जो भी करना है बस आज रात ही कर लो। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कुछ नहीं होगा। बताइए क्या है? क्लोरोफॉर्म, इसे मारते ही फटाफट बेहोश, फिर हम हमारी पत्नियों के साथ मजा करेंगे। कमाल का आइडिया है। अरे बड़े भाई, दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? छोटे, उसके लिए ना दिमाग चाहिए। दुल्हन के हाथ में मेहंदी और पैर में पायल होंगे, समझा? ये तुम्हें कैसे पता? मुझे तो सब कुछ पता चल गया है। लगता है आप उनकी फैमिली से। आंखें फूट जाएंगी, जिस काम के लिए उस पर ध्यान दो। दुल्हन इधर नहीं उधर होगी, चलो। नहीं, इधर ही होगी। बड़े भाई, दुल्हन ऐसे जमीन पर नहीं सोएगी, बेडरूम में सोएगी। मेरा सिक्स सेंस कहता है वो उधर है, चलो। तो क्या मैं नॉनसेंस हूँ? तू जा, मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारी यही दिक्कत है, मेरी कोई बात ही नहीं मानते हो। तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ, बताओ? नहीं आता। रुक्मणी, चलो। अब इतनी रात को क्या हुआ? इस वक्त कहाँ चला? हाँ, बताता हूँ, चला जा। आजा, इसमें मेरी मीनाक्षी कौन सी है? हाँ, ये रही। चल मेरी जूली है, रोमियो आ गया। मीनाक्षी, तुम यहाँ पर हो? हथनी की तरफ क्यों सो रही हो? चलो मेरे साथ वहाँ। अरे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, चलो उठो भी। मुझे नींद आ रही है जी। तुम तो पिछले 20 साल से सो रही हो, चलो। नहीं ना। चलो ना, मान भी जाओ। चलो ना। ए, नहीं, इतने प्यार से बुला रहा जाना है। वो कौन है? क्या पता, वो मेरा भाई है। अब ये कौन है? अभी तो कहा उसने भाई है, मुझे नींद आ रही है। ऐसे मत करो ना, चलो ना, वो छोटा भी अभी गया है। चलो। आज तो मैं पूरे प्लान के साथ आया हूँ। स्वीटी को तो आज मैं मना के ही रहूंगा। अगर कोई बीच में आया तो क्लोरोफॉर्म। ये गोलमाल क्या है? ये बात बड़े भैया से मत कहना। तेरा काम तो बाद में देखूंगा। उसे ले जा रहा हूँ। ले जा, चल। अब तू कहाँ जा रहा है? मेरी वाइफ के साथ लास्ट नाइट है। ओहो, वाइफ के साथ लास्ट नाइट है? तो इससे मुझे क्या? चल भाग। इस घर में सिर्फ मैं ही नहीं, सब भूखे हैं। स्वीटी, इस वक्त किसका फोन आ गया? हाँ छोटे। हाँ बको, सुन रहा हूँ, क्या हुआ? छोटे तू ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। ये उस दिन का 100 रुपया नहीं दिया? अबे 100 रुपया को छोड़, जल्दी से लड़की को ढूंढ, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जल्दी कर। ए, कार्तिक, तुम इतने कूल कैसे हो? सुबह होते ही हमारी शादी है, पता नहीं क्या होने वाला है। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सब अच्छा होगा, मैं हूँ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है डर को दूर करने के लिए किस करना चाहिए? सच में? करके देखें। शादी के पहले ही रोमांस, शायद उसके पास स्टॉक बहुत है। मेरी आइसक्रीम कहाँ है? स्वाति, स्वाति, मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो तुम चलो मेरे साथ। चलो। इस वक्त बिजली कैसे चली गई? हाँ, क्या हुआ होगा? फ्यूज उड़ गया होगा, मैं देख कर आता हूँ। ट्रिप हो गया है। फूसट आ रहा है। श्रीदेवी, श्रीदेवी। ओए श्री, कहाँ जा रहा है तू? स्लीप वॉकिंग सर, श्रीदेवी को ढूंढ रहा हूँ। अबे ये क्या पहन रखा है? ये श्रीदेवी को प्रपोज करने के लिए पहना हूँ सर। कैसा ये ड्रेस, अच्छा है ना? हाथ में स्प्रे क्यों है? बोनी कपूर पे मारूंगा। फा, 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 फा। चल भाग। ओके सर। ओए उस तरफ। उस तरफ जाऊँ? दफा हो। इस बूढ़े को हमेशा नहीं मिलता। अच्छा हो गया टाइम पर लाइट्स आ गई। इसे फिर से किसने ऊपर किया? चलो एक और ट्राई मारता हूँ। चल चल
चला आ जा। ए, ए, तुम लोग कौन हो? दूल्हे के फ्रेंड्स। दूल्हा तो मैं हूँ। तो फिर दुल्हन के फ्रेंड्स हैं। ए, सच सच बताओ तुम दोनों कौन हो? वो हमें। भाई तुम ही बताओ ना। माफ कर दीजिए सर, हम दुल्हन को किडनैप करने आए हैं। सर हम पकड़े गए पर आप हमें मारो मत, हम लाइफ में कभी किडनैपिंग नहीं करेंगे। करना होगा, तुम दोनों किडनैप करोगे। लड़की ऊपर के कमरे में है, जाओ जाके किडनैप करो। आपको उससे शादी नहीं करनी है। अभी तुम किडनैप करने आए हो कि सवाल करने आए हो? जाओ अपना काम करो ना। तुम यहाँ कब आए बाबू राव? मैं कब आया वो छोड़ो, उन्हें स्वीटी के रूम में क्यों भेजा? अरे किडनैप करने के लिए। पर्पस? पर्पस कुछ भी हो, काम तो हमारा ही होगा। काम? कैसा काम? अरे तुम भूल गए, कल ही लास्ट डे है। कल 12 बजे तक उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। पर ये तो उसे किडनैप करेंगे। किडनैप? और वो बेवकूफ करेंगे, उनकी शक्ल देखी तुमने? एक काम करो, स्वीटी के साथ साथ तुम भी किडनैप हो जाना, और सही वक्त देखकर मंगलसूत्र निकाल कर उसे पहना देना, फिर सब कुछ तुम्हारा। जल्दी देर मत करो। कमरा तो यही है लेकिन दुल्हन का है। ओह, शायद वो बाथरूम गई होगी। कोई आ रहा है, चल पलंग के नीचे छुप जाते हैं। चलो। अरे अब जल्दी करो, टाइम नहीं है। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? फर्स्ट नाइट ही लास्ट नाइट है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे कोई आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। पलंग के नीचे। अच्छा हो जाओ। ए, तुम लोग कौन हो? टेंट हाउस वाले। टेंट हाउस तो यहाँ टेंट लगा रहे हो क्या? नट बोल्ट टाइट करने आए थे। तेरे नट की तो कहाँ ले जा रहे हैं? पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या कर दिया तुमने? लगता है उस सांड ने स्प्रे ज्यादा ही कर दिया। मेरी लास्ट टाइम भी पूरी नहीं हो पाई। दुल्हन है कहाँ? लगता है यही दुल्हन है। पैर में मेहंदी, हाथ में मेहंदी, अरे यही है। लेकिन फिर भी हमें एक बार चेक करना चाहिए। ऐसा है क्या? हाँ। हेलो, क्या दुल्हन तुम ही हो? निकल जाओ यहाँ से। चल ये दुल्हन नहीं है। ये नहीं है, चलो। रियल ब्राइड। क्या कहा? रियल ब्राइड? अपना काम हो गया, चलो ले चले। लेट्स गो फॉर अ राइड। ये बहुत भारी है भाई। सच में भारी है। अबे तुम दोनों कौन हो? मैं छोटा और वो बड़ा। वी आर किडनैपर्स। किडनैपर्स? अरे वाह, तुम दोनों को किडनैप करते हो मैंने देख लिया। रे अगर मैंने किसी को बता दिया तो तेरा क्या होगा कालिया? सच कह रहा है तू? तो अभी क्या करे? क्या करे क्या करे? तुम मुझे भी किडनैप कर दो। अच्छा हा? लगता खत्म हो गया उस पे। खत्म हो गए? हाँ। मेरे पास है ना। ओके, मैं ही डाल देता हूँ। ये पकड़ पकड़ पकड़, ये भला आदमी कौन है इतना कोऑपरेट कर रहा है? इनका नकाब निकालो। देख ली? कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये कौन है? कौन का क्या मतलब? यही दुल्हन है। भूपेंद्र ठाकुर की बेटी दुल्हन है, ये नहीं है। Shut up! मैं ही दुल्हन हूँ, मेरी ही शादी है। अंजय ये क्या लोचा है? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगर 15 मिनट में मेरी शादी नहीं हुई तो 3000 करोड़ गए समझो। स्वीटी, सर पर सहरा और मंगलसूत्र रेडी है। यहाँ के सभी लोगों में मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ और मर्द भी हूँ। लो पहन लो। मंगलसूत्र पहना, मैरी मी। नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लड़की फूल फूल। अरे स्वीटी, तुमने कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मेरे होते हुए इस उल्लू से शादी करोगी? क्या है इसमें? फटे फुटबॉल की जैसी शक्ल है इसकी। है, मार डालूंगा। है, किसी ने मारा तो तेरा एक्सरे दिख जाएगा, किसी और ने मारा तो तेरा स्कैनिंग दिख जाएगा, लेकिन मैंने मारा तो हिस्ट्री हिस्ट्री में लिखा जाएगा बे। आ जा। अगर मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। पकड़ो साले को। ओह माय गॉड। क्या हुआ? हमारी दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही। क्या नजर नहीं आ रही मतलब? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छी तरह देख लिया ना। हमें तो स्वीटी को किडनैप करना था, वो दिव्या को लेकर क्या? ए भूपेंद्र, तेरी बेटी मेरे पास है। मैं तेरी बेटी की अपने भाई के साथ शादी कराने वाला हूँ। अबे ओए चुप, टाइम वेस्ट मत कर। मुहूर्त के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है, उसे आकर आशीर्वाद दे और सुहागरात के बाद ले जाना। आ, नरसिम्हा के मंदिर में आ। ठहर, मैं आया। किसे फोन किया तुमने? तेरे पिताजी को, वो और तेरा मामा दोनों आ रहे हैं। बस क्यों रही है? कुछ नहीं, तूने मुझे बहुत बहादुरी से किडनैप किया था,
पिताजी को क्यों ललकारा? चुपचाप तेरे भाई से मेरी शादी करवा देनी चाहिए थी। ये फोन का ड्रामा क्यों किया? इतना घमंड अच्छा नहीं। ए, जब मेरे पीछे दो रक्षक थे तब कुछ नहीं उखाड़ सका, अब तीसरा भी आने वाला है, देखती हूँ तू क्या करेगा। कौन है वो? मेरा प्रेमी। चूहे, बहुत सुधक रही है, आने दे उसको। आ गया मेरा हीरो। आप रुक जाइए। वाह, तू तो बिल्कुल मुहूर्त पर आटप का है रे। एक ग्रुप फोटो तो बनती है। अबे ग्रुप फोटो छोड़, तू तो फोटो का फ्रेम रेडी करवा, एक घंटे में माला भी लग जाएगी। हाँ, एक घंटा और इसके लिए? ये छोटू इतना बड़ा तोप है? ओए, मर्दान की बातों में नहीं हाथों में होती है, चला जा। सिर्फ एक बार और तू गया, तेरा उठना बैठना सब फुल स्टॉप हो जाएगा। और सुन, दुश्मनी से हम सामने वाले को नहीं मारते बल्कि खुद की खुशी को मारते हैं, ये बात दिमाग में डाल और जाके खुश रह। चल निकाल। शाबाश दामाजी, मुहूर्त का टाइम हो गया, जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ, पंडित भी यही है और आपकी माँ और पिताजी भी आ रहे हैं। कार्तिक, कार्तिक। माँ क्या हुआ, तुम अकेली आई हो? पिताजी वो तेरी बहन को लेकर एयरपोर्ट चले गए हैं, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तुझे भी आने को कहा है और कहा है शादी मत करना। क्या बात कर रही हैं आप, वो मना कर रहे हैं तो ये शादी। ससुर जी आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। बात करो। पिताजी आप कहाँ हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए पिताजी, देखिए। हेलो दामाद जी, क्या बात है? वो मुझे शादी करने से मना कर रहे हैं। मगर क्यों? वो कहते हैं कि आप सिर्फ तलवार की भाषा जानते हैं, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। आज शादी की दुल्हन किडनैप हुई, कल मैं हो सकता हूँ, परसों मेरे माँ बाप किडनैप नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये शादी नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो दामाद जी, मेरी बेटी ने तुमसे प्यार किया, ये सब जानते हैं, अगर उससे शादी नहीं करोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ससुर जी ये बात नहीं है। सुनो दामाद, तुमने मेरी बेटी से प्यार किया, शादी तुम करने वाले हो, बीच में तुम्हारे पिता की इज्जत कहाँ से आ गई? ससुर जी कैसी बात कर रहे हैं आप, ये शादी करने से क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? नहीं होगी, जो माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझते उन्हें बिना बताए शादी कर लो। लेकिन ये तो बहुत ही गलत है ना? बिल्कुल गलत नहीं, अगर तुमने अपने प्यार को धोखा दिया तो गलत होगा। तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, तुमने प्यार किया, जिससे प्यार किया उससे शादी कर रहे हैं, अब इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है ना? नहीं। फिर से कहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो फिर 25 साल पहले मेरी माँ ने जो किया वो गलत कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ? माँ।
ये तुम्हारी माँ है। बिना माँ बाप को बताए शादी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझ रहे तो शादी कर लो, यही कहा था ना आपने। तो फिर मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे बारे में जाने बिना ही आपने ये सोच लिया कि मैं आपकी बेटी के लिए सही हूँ, जबकि मेरी माँ ने सोच समझ कर अपने पति को अपनी मर्जी से चुना, तो आपकी नजर में मेरी माँ का प्यार गलत होगा। आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैंने आपके सामने एक शर्त रखी कि अपनी सालों की नफरत भुलाकर अपनी बहन को बुलाओ, तो आपने उसे बुला लिया। बताइए क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी बेटी का प्यार सही है। जब यही प्यार आपकी बहन ने किया तो आपकी इज्जत जैसे मिट्टी में मिल गई, नफरत करने लगे आप उससे। अगर हमें जो पसंद है वो सही है तो फिर जो पसंद नहीं है वो गलत कैसे? ये छोटा लॉजिक अगर आप समझ जाते तो हमारे परिवार के टुकड़े ना होते। मैं यहां आपको दुखी करने नहीं आया हूं और ना ही आपको गलत साबित करने आया हूं। 20 साल से ये औरत अपने पति और बेटे के होने के बावजूद अपने दिल में अपने परिवार से अपने भाई से दूर रहने के एहसास के साथ जीती आई है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। मेरी माँ को किस बात की सजा दी है आपने? अगर किसी लड़की के माँ बाप ना हो तो उसका भाई उसकी ताकत होता है, और मैं उसे उसकी ताकत दिलाकर रहूंगा। एक बात सुन लीजिए, मैं दिव्या से शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, नफरत नहीं। और अगर मैं उससे शादी कर रहा हूं तो अपनों की नजरों में गिरने के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये समझते तो अपनी पत्नियों से दूर नहीं रहते। अगर मैं आपसे कहता कि मैं सरस्वती का बेटा हूं तो आप मुझे भी घर से बाहर निकाल देते। अगर ये आपकी बेटी का मामला नहीं होता तो आप कभी नहीं समझते। मैंने जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट की तभी आप समझ सके। आप सभी के दिलों में प्यार जगाने के लिए, आपका गुरूर खत्म करने के लिए ये सारा ड्रामा तैयार किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने नफरत तो हमेशा की है, एक बार हम सबके लिए प्यार भी करके देखिए प्लीज। भैया संभालिए, भैया संभालो। आओ बहन। घर की बर्बादी का कारण तुम्हें समझता रहा, लेकिन असली कारण तो मैं ही। मुझसे माफी मत मांगिए, अगर मांगनी है तो उनसे मांगिए। ये नहीं होते तो हमारे परिवार की मान मर्यादा नहीं बचती। ये सब कहने की क्या जरूरत है? आज मुझे सच बताना ही होगा, मुझे मत रोकिए। आपने मेरी शादी तय की थी, कार्तिक मेरे पेट में पल रहा था, आपको नहीं बता पाई। तब सोचा बली को ही बता दूं, तो मैंने सब सच बता दिया। उन्होंने हमारी शादी करवाकर हमें विदेश भेज दिया। अगर लोगों को पता चलता तो क्या होता, लेकिन आपने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। कभी सोचा कि बल्ली पर क्या बीत रही होगी जब आपने उनकी बहनों को घर से बाहर निकाल दिया? यही है सच्चा दोस्त, बल्ली से माफी मांगिए। बल्ली सिर्फ दोस्त नहीं, एक फरिश्ता है। तुम यार हो ना, मुझे एक चाटा मार देते और कह देते कि तुम गलत हो, इतना भी नहीं कर पाए तुम। यार
ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर आने में 20 साल लग गए। आइए जी जल, मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया लेकिन अपनी बेटी के साथ नहीं करूंगा। अगर उसे पसंद नहीं है तो शादी नहीं होगी। ओके दामाद जी? ओके, जैसा आप कहें। क्यों बेटी, तुझे ये लड़का ओके है ना? पिताजी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कौन सा नया ट्विस्ट है? चुप बैठ। वो कौन है बेटी, मुझे बताओ। पिताजी वो यही है। ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। आमतौर पर त्योहार में दामाद घर पर आता है लेकिन तुम्हारा दामाद त्योहार को ही घर लेकर आ गया। तो खुशियां बनाओ।